આજે આપણો છેલ્લો લેક્ચર છે એટલે પ્રશ્ન જવાબ લેખનમાં નહીં, સીધું મેક્સિમમ થયેલા ટોપિક કવર કરી લઈએ. શરૂ કરતા પેપર ટુ જીએસ, વહા પર રોલ ઓફ એનજીઓ ઇન ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસ, પ્રેશર ગ્રુપ્સ ઇન પોલિટી ઓર સિવિલ સર્વિસ ઇન ડેમોક્રેસી. તો રોલ ઓફ સિવિલ સર્વિસિસ ઇન ડેમોક્રેસી સે શરૂ કરતા હૈ. कुल मिला के 4 स्लाइड हैं और हर एक स्लाइड में 2 रोल की चर्चा करेंगे, तो टोटल 8 टाइप के रोल्स बराबर उतने रट लिए तो फिर आराम से जवाब सेट हो जाएगा. फर्स्ट रोल, सिविल सर्वेंट्स एज एजेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देश के अर्थतंत्र को दिशा देने का काम क्या करता है? फिजल पॉलिसी. तो उसके अंतर्गत जो बजट बनाना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेड पॉलिसी बनानी है, प्लानिंग और रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करना है, टैक्सेशन सब्सिडी के नाम पे इतना पैसा लाना चाहिए, देना चाहिए, ग्रांट के नाम पे ये पैसा करना चाहिए, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी में मैनेजमेंट प्लानिंग का काम कौन देखेगा? सिविल सर्वेंट देखेंगे. अब सबसे ऊपर बैठा है नीति आयोग, उसके सीईओ कौन है? आईएएस सिंधु श्री खुल्लर. उनका काम क्या है ये देखना कि भारत के अलग अलग रीजियंस, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उनका एक समान विकास हो. सेम वे नीचे आप जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो भी आईएएस. उसका काम है कि हर एक तहसील, हर एक गांव, उसका एक समान रूप से विकास हो और जो पिछड़े इलाके हैं उनका फास्ट स्पीड से विकास हो ताकि वो अच्छे इलाकों की कंपैरिजन में आ सके. तो मतलब बैलेंस डेवलपमेंट फॉर द ऑल स्टेट्स एंड तहसील्स एंड रीजन्स ऑफ द कंट्री. तो दे आर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और क्योंकि वो ये कोशिश करते हैं कि सभी इलाकों का एक समान रूप से विकास हो, देयर फॉर दे ऑल्सो एक्ट एज द एजेंट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. अदरवाइज जो इलाके पिछड़े रह जाएंगे तो वहां डेवलपमेंट नहीं होने के चलते एक्सट्रीमिज्म की समस्या, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद की समस्या हो सकती है. और एक बात, जब भी कोई नया राष्ट्र का निर्माण होता है तो वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना रिलेटिवली कमजोर होती है, जैसा कि ईस्ट पाकिस्तान में था जो कि आगे टूट के बन गया बांग्लादेश. सरदार पटेल को ये बात पता थी कि इसलिए जब भी नया देश बनेगा तो वहां एक ब्यूरोक्रेटिक स्टील फ्रेम की आवश्यकता होगी. इसी के चलते जो इंडियन सिविल सर्विसेज ब्रिटिशरों के जमाने में जो ICS था उसको उन्होंने केवल नाम बदला IAS, लेकिन उन्हीं आदमियों को उन्होंने जारी रखा बिकॉज दे वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट स्टील फ्रेम. अदरवाइज हो सकता था भगवान ना करे भारत का भी उस वक्त इस प्रकार से वो टूट जाता. ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS, फॉरेस्ट सर्विस, ये लोग नेशन इंटीग्रेशन का काम एक और तरीके से करते हैं कि आपने स्टेट कैडर का प्रेफरेंस दिया है, हो सकता है आपको होम स्टेट के अलावा की किसी स्टेट कैडर में भेजा जाए तो आप अलग प्रदेश में जाके काम करेंगे, राइट. तो इस प्रकार से नेशनल इंटीग्रेशन होगा. अदरवाइज हो सकता है कि लोकल ऑफिसर उतनी दमखम से काम ना करें. सपोज कोई धर्मगुरु बाबा हैं जो कि होली के दिन वो टैंकर में रंगीन पानी डाल के वो फायर ब्रिगेड की पिचकारी से सब पे पानी छिड़कते हैं, प्रसाद देते हैं, पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन वहां के तहसीलदार या सब इंस्पेक्टर हो सकता है इस पे कोई कार्रवाई ना करें बिकॉज उनके खुद के परिजन वहां पे इस प्रकार से बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हो. बट इफ देयर इज एन IAS IPS फ्रॉम अदर स्टेट तो ही मे टेक एक्शन. उसी प्रकार इलेक्शन चल रहा हो, लोकल इलेक्शन हो, राज्य का इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, वहां पर भी फ्री एंड फेयर मैनर में अगर वो इलेक्शन करवाने हैं, यू विल रिक्वायर सच ऑल इंडिया ऑफिसर्स, सिविल सर्विस ऑफिसर्स. तो दे एक्ट एज एजेंट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. तो रोल ऑफ सिविल सर्विस के पहले दो कौन से? एजेंट वाले. एक तो इकोनॉमी का एजेंट है और नेशनल इंटीग्रेशन का एजेंट है. नेक्स्ट, क्योंकि भारत में एक वेलफेयर स्टेट हमें बनाना है तो माइनॉरिटी, वर्कर, चाइल्ड, वीमन, यूथ, इन सभी तबकों का ख्याल रखना होगा. सो देयरफॉर वी विल रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, जो कि इनकी क्या जरूरत है उस हिसाब से अलग अलग विकास के काम करेंगे. एंटी आर्ग्यूमेंट, इस प्रकार से अलग अलग तबकों की सेवा के लिए आप जब जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट करेंगे, नए नए डिपार्टमेंट बनाएंगे, मिनिस्ट्री बनाएंगे, सो दे विल बिकम सेल्फ परपेचुएटिंग एम्पायर्स विद इन एम्पायर्स. वो अपने लिए काम खुद से खड़ा कर लेंगे. यूपीए सरकार के वक्त आपको पता होगा देयर वर 147 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. फिर अब धीरे धीरे उसे सरकार को ये लगा कि इट इज लीडिंग टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, तो उसे कम करा के फिर 66 किया. फिर मोदी सरकार आई तो वापस 72 हो गया. अब उसको फ्लिप करते बोले 27 करेंगे, राइट. तो मतलब कि एंटी आर्ग्यूमेंट में अगर लिखना हो तो दे आर सेल्फ परपेचुएटिंग और उनके चलते फिर पंचायती राज बॉडीज को जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है. नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. मान लो एक स्कूल बनानी है तो क्या ये मिनिस्टर बना देंगे या सरपंच बना देंगे? नहीं. यू विल रिक्वायर वैरायटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स. सबसे पहले स्कूल बनाने के लिए लैंड एक्वायर करना होगा तो ये काम कौन देखेगा? कलेक्टर. जिसका लैंड एक्वायर कर लिया तो उसे कितना कंपेंसेशन देना चाहिए, उसे कहां पर रिहैबिलिटेट करना है, वो सारे एस्पेक्ट की देखरेख करता है कलेक्टर. अब उस जगह पे बिल्डिंग बनाना है तो PWD इस प्रकार की किसी
सरकारी इंजीनियरिंग लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हमने टीचर्स को लाना है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और गौण सेवा आयोग जो भी इसका काम देखते हैं, फिर स्टडी मटेरियल बनाना है, पाठ्य पुस्तक बनाने हैं तो एनसीईआरटी बोर्ड होगा, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड होगा, उन्होंने सिलेबस डिजाइन कर लिया, सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल बना दिया, अब उसकी किताबें छापनी है तो अगेन प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड, तो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस मुद्रण कार्यालय उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना हो अलग अलग प्रकार की जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की आपको आवश्यकता रहती है। इसका भी एंटी आर्ग्यूमेंट कि इस प्रकार के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त ये ज्यादातर अफसर लोग डिटेल्स और रूटीन पे ज्यादा भार देते हैं, तो मतलब वो पेपर पे अपने आप को सही ठहराने के लिए इट लीड्स टू रेड टेप्स, अनरिस्पॉन्सिवनेस, रेजिस्टेंस टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स को भर्ती करना है तो आइडियल प्रोपोजिशन ये रहेगा कि हम ऑनलाइन सबकी एप्लीकेशन मंगाए, फिर उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऐसे करके आप पढ़ाइए और हम देखते हैं और उसमें से अच्छे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाए, बट वो लोग पुरानी दिमाग से चलते होंगे तो नहीं पेपर एप्लीकेशन ही चाहिए और फिर हम एक एक करके उनका इंटरव्यू लेंगे एंड लाइक दैट। सो रेड टेप्स, अनरिस्पॉन्सिवनेस, रेजिस्टेंस टू चेंज। आगे के रोल नॉलेज और कम्युनिकेशन में क्या, जैसे अगर कोई नया देश बने तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कम होती है इसलिए स्टील फ्रेम के रूप में ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, उसी प्रकार से जब देश नया बनेगा तो स्वाभाविक है वहां पर ऑपोजिशन पार्टी वीक होंगी, वहां पर प्रेशर ग्रुप वीक होंगे, एनजीओस भी बहुत वीक होंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में ब्यूरोक्रेसी सर्व्स एज द ओनली मैकेनिज्म फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ पीपल, जनता को अपनी जो भी मांग रखनी होगी वो एनजीओ प्रेशर ग्रुप या ऑपोजिशन के पास नहीं जाएगा, वो सीधा मिनिस्टर को भी मिल नहीं सकता, राइट? तो वो अपने कलेक्टर को जाके आवेदन देगा, अपने जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके नीचे मतलब अलग अलग मंत्रालयों में जो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं उनको बात करेंगे, चीफ इंजीनियर को बात करेंगे, मेडिकल ऑफिसर को बात करेंगे, फार्मर को अगर पानी चाहिए वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाके बात करेंगे। सो इन डेमोक्रेसी हर एक सेक्शन की अपनी एस्पिरेशन होते हैं, नीड्स होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उनको वो सरकार की तरफ रखना चाहे तो ब्यूरोक्रेसी सर्व्स एज द ओनली चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू द स्टेट एंड फॉर द स्टेट फॉर सच सिचुएशंस। आगे नॉलेज मैनेजमेंट, एक अफसर की बदलियां होती रहती हैं, तो आज वो हो सकता है इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो मैदानी प्रदेशों में किस प्रकार का इरिगेशन चाहिए, 3 साल बाद उसकी बदली हो जाए हिल स्टेट में तो वो वहां पर जाके देखे कि वहां उनकी क्या आवश्यकता है। स्वाभाविक है वो अलग अलग इलाकों में काम करेगा तो ट्रायल एंड एरर से उसे पता चलेगा कि मैदानी प्रदेशों में इस प्रकार से होना चाहिए, हिल स्टेट में इस प्रकार से होना चाहिए। अब वो आदमी अगर रिटायर्ड भी हो जाए फिर भी उसके पास जो ज्ञान था उसने फाइल में डेटाबेस में कहीं पे रखा होगा, उसने अपने जूनियर ऑफिसर्स को वो सिखाया होगा, सो लाइक दैट देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ट्रायल एरर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बैंक। सो देयरफॉर द रिकॉर्ड डेटा एंड फाइल्स दे आर मच ओल्डर देन एनी पर्सन कैन रिमेंबर। अब आगे चल के जब नई इरिगेशन पॉलिसी बनाई जाए तो मिनिस्टर के पास वो ज्ञान होगा नहीं, वो ज्ञान ट्रायल एक्सपीरियंस का केवल ब्यूरोक्रेट्स के पास होगा और उसके चलते फिर अच्छी पॉलिसी का निर्माण हो पाएगा, अदरवाइज ट्रायल एरर से हम चलते रहे केवल मिनिस्टर ये काम देखता हो तो कभी देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। उसी प्रकार से भारत के अन्य देशों के साथ जो विदेशी संबंध है, विदेश नीति है, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी फाइल है उसका पूरा मैनेजमेंट करना, उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को बनाए रखना, उसका सही तौर से इस्तेमाल करना, ये सारी जिम्मेदारी भी हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे नहीं छोड़ सकते, वो अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव सिविल सर्विस पे ही हम छोड़ सकते हैं। आगे रोल ऑफ सिविल सर्विस एज एडवाइजर, एक तो टेक्निकल एडवाइजर के रूप में, सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या होनी चाहिए, यूरिया कंपनी को कितना सब्सिडी देना चाहिए, पेस्टिसाइड, बीटी, ब्रिंजल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इन सब की अनुमति देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, भारत अलग अलग एमिशन नॉर्म्स चल रहे हैं, भारत स्टेज 3-4 तो वो किस शहर में किस लेवल पे लागू करना चाहिए, भारत के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर FDI FII कितने प्रतिशत लागू करनी चाहिए, कंपनीज एक्ट हमने बनाया तो वहां 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, उसके अंदर मेंबरशिप, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, राइट? तो इस प्रकार की कोई भी पॉलिसी का निर्माण करना है यू विल रिक्वायर टेक्निकल एडवाइजर, वो इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हो सकते हैं। सेम वे बजट बनाना है, इकोनॉमिक सर्वे का निर्माण करना है तो वहां पर भी आपने इस प्रकार के इकोनॉमिस्ट, अकाउंटेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। भारत के अंदर पेटेंट्स, इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट करना भी है और उसकी पॉलिसी भी बनानी है, उसके कानून कुछ बनाने हैं तो आपको उस प्रकार के स्पेशलिस्ट ऑफिसर, साइंटिस्ट, टेक्निकल ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जो कि CSIR, DRDO उस प्रकार के संस्थानों में काम करते हो। सो रोल ऑफ सिविल सर्विस एज टेक्निकल एडवाइजर हमने देखा। आगे एज इम्पार्शियल एडवाइजर्स, इकोनॉमी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर प्रेशर ग्रुप रहते हैं तो ट्रेड यूनियन एक प्रकार का प्रेशर ग्रुप है। अब ये लोग हमेशा डिमांड करेंगे कि हमको ज्यादा हायर वेजेस मिलने चाहिए, सरकार ने मिनिमम वेज को और बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर मिनिमम वेज को बढ़ाते रहे हम लोग
तो हो सकता है कि अपनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस चली जाए, क्योंकि चाइना के अंदर से सस्ते वेजिस पे, सस्ते दामों पे बना के माल वो अगर बेच रहे हो तो देयरफॉर ये अलग अलग सेक्टर से जो डिमांड आती है वहां पर मिनिस्टर को इम्पार्शियली एडवाइस कौन कर सकता है? मिनिस्टर के चमचे लोग तो नहीं कर सके, वो तो हमेशा ये बोलेंगे ट्रेड यूनियन बोलता है तो सबके मिनिमम वेज बढ़ा दो, नहीं। सो मिनिस्टर कैन नॉट रेशनली डिसाइड अनलेस ही हैज अ इम्पार्शियल न्यूट्रल ऑफिसर टू गिव हिम एडवाइस। तो स्वाभाविक है उसके चलते इम्पार्शियल एडवाइजर, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और वो सारे मैटर्स यहाँ पे लागू होंगे। इसका एंटी आर्ग्यूमेंट, अब तक हमने देखा कि एक तो स्टील फ्रेम के रूप में ये लोग काम करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग देखते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन देखते हैं, टेक्निकल एडवाइस, इम्पार्शियल एडवाइस, ऐसे सभी रोल के चलते इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर्टिकुलरली लाइक पाकिस्तान, म्यांमार, यहाँ पर आप पाएंगे कि सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी वो हर एक चीज पे इनविजिबली दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, और जो पॉलिटिकल उनकी लोकल बॉडी देख लो या प्राइम मिनिस्टर देख लो, दे आर ओनली सर्विंग एज रबर स्टैम्प। तो ये एक एंटी आर्ग्यूमेंट बन जाता है। सो रोल ऑफ सिविल सर्विस इन द डेमोक्रेसी, 8 प्रकार के रोल थे, हमने थोड़ी थोड़ी बातें करी। एज सच और भी बहुत सारे मुद्दे हम जोड़ सकते हैं, बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम हम केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ऊपर से नीचे हम जाएंगे, स्वाभाविक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पर कलेक्टर का क्या रोल है लैंड रेवेन्यू के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में, लोकल डेवलपमेंट में और अदर फंक्शन, तो ये आप घर पे आराम से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, सिविल सर्विस का रोल देख लिया, रोल ऑफ एनजीओ इन डेवलपमेंट प्रोसेसेस, तो सबसे पहले इन्हें व्याख्यात करेंगे, इनकी उत्क्रांति कैसे हुई, उनका वर्गीकरण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, डेफिनेशन क्या है, एनजीओ कौन है, दीज आर सिटीजन बेस्ड नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। ये लोग कैसे काम करते हैं, वो सरकार से अलग होके दे आर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, और ये लोग क्यों काम करते हैं, टू सर्व द ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, समाज सेवा के लिए कुछ काम करते हैं। तो एनजीओ की व्याख्या क्या होगी, दीज आर सिटीजन बेस्ड नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन हु ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट टू सर्व ह्यूमैनिटेरियन पर्पस। मुनाफा ना हो इस प्रकार के ये नागरिक के ग्रुप होते हैं जो सरकार से अलग रह के काम करते हैं समाज सेवा के लिए, दीज आर कॉल्ड एनजीओज। एनजीओज की उत्क्रांति, आजादी से पहले भी आप पाएंगे कि ऐसे इंडिविजुअल ग्रुप बेस्ड एक्शन तो कुछ हो रही थी, ये लोग सोशल एम्पावरमेंट, कास्ट एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे थे, समाज में अलग अलग जो खराब बदियां थी उनको सुधारने के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म लाने के लिए, स्वाधीनता की संग्राम के लिए ये लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। लेकिन इस प्रकार के जो एनजीओ ग्रुप थे वो देवर रूटेड इन रिलीजन और कास्ट, इस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई थी। आजादी के बाद शुरुआती समय में ये माना गया कि सरकार और स्टेट वही सारे वेलफेयर के काम करेगा, वही इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। सो रीबिल्डिंग ऑफ इंडिया इट वॉज सीन टू बी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, तो उस वक्त ये एनजीओ या जाके कुछ युवा काम कर ले वो बज वर्ड अभी तक बना नहीं था। लेकिन इस प्रकार का जो स्टेट था, सोशलिस्ट स्टेट, हम पाते हैं कि 60s to 80s में ये प्लांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट स्टेट, नेहरू का नेहरूवियन मॉडल, ये सब धीरे धीरे फेल होने लगता है इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी। तो उस वक्त ये लोहिया, जेपी, मार्क्सिज्म, इन सब के प्रभाव में युवक काम शुरू करते हैं, वो मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस से थोड़ा हटना शुरू करते हैं और गांव में जाके डेवलपमेंट का काम करेंगे, पुअर के लिए काम करेंगे, दलित, माइनॉरिटीज, ट्राइबल के लिए काम करेंगे। इस प्रकार से ये एक दौर शुरू होता है। ये ऐसा एक दौर था जब साउथ इंडिया में हम क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का उदय देखते हैं, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के अंदर ये रेडिकलाइज यूथ, नक्सलबारी मूवमेंट, स्टूडेंट ग्रुप, इस प्रकार की अलग अलग मूवमेंट्स देखते हैं। उसके आगे 60s to 80s, तो ये तो मतलब पीरियड ऑफ रेडिकलाइजेशन था, धीरे धीरे मतलब ये भी एक प्रकार से एनजीओ की उत्पत्ति कर रहा है। इन द ईयर 1990s फिर वो शुरू होता है कि लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज के चलते जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया और फिर एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए। अब राज्य को ये लगा कि सारी चीजें हम खुद करें वो नहीं, अपनी चादर देख के पांव पसारने चाहिए, तो इट लीड्स टू द स्टेट मिनिमलिज्म, सरकार अपने धीरे धीरे काम कम करना शुरू करती है और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर दिया जाता है। एक स्कीम लेके आते हैं late 80s में, कपाट के नाम पे केंद्र सरकार नीचे एनजीओ को पैसा देगी और वो खुद जाके अलग अलग डेवलपमेंट के काम करे, और सेम वे वर्ल्ड बैंक और ऐसे इंटरनेशनल डोनर से भी हमको पैसा धीरे धीरे आना शुरू होता है जो कि एनजीओ के पास जाता है। सो नाउ फ्रॉम द 90s एनजीओ बिकम मीडिएटर्स एंड द मैनेजर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस, और धीरे धीरे इनका इस प्रकार का रोल शुरू होता है। ठीक, आज के जमाने में एनजीओ का क्लासिफिकेशन देखते हैं, बड़ी मात्रा में ऐसे एनजीओ हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं एक्शन ग्रुप्स। एक्शन ग्रुप ऐसे जो कि कोई डिप्रेस क्लास, विक्टिम या किसी कॉज को लेके, मुद्दे को लेके एक्शन करने के लिए आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विमेन एक्शन ग्रुप कौन से, सेवा, जागोरी, नन्नी कली, चिल्ड्रन के लिए स्माइल फाउंडेशन, प्रथम क्राई, दैट इज चिल्ड्रन राइट्स फॉर यू, फिर डिसेबल्ड पीपल के लिए उड़ान है, एल्डरली पीपल के लिए हेल्पेज इंडिया है,
फिर जुवेनाइल, प्रोस्टिट्यूट, ऑर्फन, माइनॉरिटी, दलित, ट्राइबल, ये सब क्या है? डिप्रेस क्लासेस, और उनकी मदद के लिए जो एनजीओ चल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एक्शन ग्रुप्स। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी मुद्दे पे आगे आ जाए, कॉज रिलेटेड एक्शन ग्रुप, कि डैम को नहीं बनने देंगे, न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनने देंगे, पुलिस ब्रूटालिटी, आर्म फोर्सेस, स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के सामने लड़ेंगे, लाइक दैट। तो एक इस प्रकार के एनजीओ। दूसरे होते हैं सपोर्ट ग्रुप। सपोर्ट ग्रुप का काम है जर्नल, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए अवेयरनेस फैलाना। इसका सबसे आसान उदाहरण है अपना prsindia.org। ये क्या है? पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव रिसर्च पे ये काम करते हैं कि ये एमपी थे, इसने साल में इतने सवाल पूछे, इतने घंटे काम हुआ, इतने करोड़ों की बर्बादी हुई, ये नए बिल हैं, उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सो दीज आर कॉल्ड सपोर्ट ग्रुप्स। देन देयर आर डेवलपमेंट इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, कि रिसाइक्लिंग वेस्ट तो गूंज है, ग्रास रूट इनोवेटर की मदद करने के लिए हनी भी है, और बहुत सारे ऐसे। देन देयर आर सम एनजीओज विद पॉलिटिकल गोल्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल RSS, DNA न्यूज़पेपर बोलता है इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ, RSS। फिर कुछ ऐसे होते हैं प्री पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, इस प्रकार के एनजीओ, उसका उदाहरण है अन्ना कैंप के अंदर जब केजरीवाल काम कर रहे थे, तो दैट वाज एग्जांपल ऑफ प्री पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो अलग अलग एनजीओ का ये क्लासिफिकेशन है। अब डेवलपमेंट प्रोसेस में एनजीओ का क्या रोल है? कुछ पॉजिटिव रोल है और कुछ नेगेटिव रोल है। सबसे पहले पॉजिटिव या कैटालिस्ट या उद्दीपक प्रकार का वो काम करते हैं। हम पाते हैं कि प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी से ये लोग एनजीओ वाले ज्यादा प्रोफेशनली काम करते हैं, इनको लोकल पावर पॉलिटिक्स की चिंता नहीं रहती, वो अपने तौर से सर्विस डिलीवरी का इनका फोकस रहता है। इन लोगों ने अपना दमखम साबित किया है। अमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इनको अपने अच्छे काम के चलते नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन, तो जापान द्वारा जो व्हेल पोचिंग शिकार चल रहा था, आर्कटिक ऑयल ड्रिलिंग रशिया द्वारा कर रहा था, और उसके रिलेटेड पर्यावरण के मुद्दे, तो इन चीजों पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने का काम ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। सो इन लोगों ने अपना एक तो प्रोफेशनलिज्म है और अपना दमखम साबित किया है। इसी के चलते यूनाइटेड नेशन ने भी इनकी पावर को माना है, और आप पाएंगे कि यूएन की अलग अलग जो एजेंसी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, वो अलग अलग ट्रीटी बनाते हैं, तो नेशन स्टेट को तो बुलाया जाता है, और साथ साथ इस प्रकार के बड़े एनजीओ ग्रुप को भी पार्टिसिपेंट, स्टेक होल्डर, मेंबर के रूप में बुलाया जाता है, और उनकी राय लेकर वो नई पॉलिसी स्कीम ट्रीटी बनाई जाएगी। सो दीज आर कैटालिस्ट रोल्स ऑफ द एनजीओ। और बातें हमने देखा, बीओपी क्राइसिस आती है, और उसके बाद का एलपीजी एरा, ये एक ऐसा एरा है जहां पर सरकार अपनी फिशल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कम करने के लिए अपने पांव नीचे कम खींच रही है, वापस स्टेट मिनिमलिज्म हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अब धीरे धीरे एनजीओ को दे दिया गया। इन द ईयर 1986 रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कपार्ट स्कीम लेके आई, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसका मुद्दा ये था कि ऊपर से केंद्र सरकार, मतलब एनजीओ खुद प्रोजेक्ट लेके जाएगी, हम ये काम करना चाहते हैं, और उस पर राज्य सरकार की मदद से केंद्र सरकार ऊपर से पैसा एनजीओ को देगी, उस प्रकार से वर्ल्ड बैंक और दूसरे इंटरनेशनल डोनर्स भी पैसा देंगे, और वो सारा अच्छा अच्छा काम होता रहे। सो एलपीजी एरा रिक्वायर्स दिस पीपल। और क्योंकि इस प्रकार से ढेर सारा पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से, विश्व बैंक की तरफ से, तो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ यूथ, जो कि एनजीओ के रूप में एजेंट्स एट द ग्रास रूट लेवल वो काम करेंगे। इसका फायदा ये होता है, कई बार गरीब लोग, मान लो उसका लैंड एक्विजिशन हो गया या डैम में उसकी जमीन चली गई, तो वो खुद से मुझे ज्यादा कंपेंसेशन चाहिए ऐसी लड़ाई करने के लिए, उसके पास हो सकता है समय, साधन, ज्ञान, रिसोर्स ना हो, तो ऐसे लोगों की मदद कौन करता है? ये एनजीओ करते हैं एज एजेंट्स एट ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट, एज द एजेंट्स ऑफ वॉइसलेस पीपल, डेमोक्रेसी में आप पाएंगे देर आर प्रोस्टिट्यूट्स, एलजीबीटी, ट्रांसजेंडर, एचआईवी विक्टिम्स, कस्टोडियल टॉर्चर होता है, एनवायरमेंटल इश्यू होते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कि इतने बड़ी मात्रा में नहीं है कि पॉलिटिकल वोट बैंक बन जाए, तो पॉलिटिकल पार्टीज को या प्रेशर ग्रुप को इनकी प्लाइट के बारे में कोई चिंता दरकार नहीं होगी, तो ऐसे लोगों के लिए भी एनजीओ काम करते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज को दिलचस्पी नहीं रहती। हम पाते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आजकल बात चलती है जेंडर बजट बजाएंगे, लेकिन उसके लिए रियली कोई ऑफिसर अपॉइंट किया गया हो ऐसा नहीं पाते, लेकिन हर एक एनजीओ में यूजुअली एक जेंडर डेस्क होती है, एक आदमी को वो बिठा के रखते हैं कि चाहे कोई भी पॉलिसी या कोई भी कॉज या कोई भी एक्शन हो, वहां पर महिलाओं के मुद्दों पर वो आदमी फोकस करेगा। तो अब आप देखिए, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज की हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की, सिविल सर्विस का भी एजेंट के रूप में दो रोल है, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम वो देखेगा और नेशनल इंटीग्रेशन का काम वो देखेगा, तो उसके सामने एनजीओ भी दो टाइप का एजेंट का काम करता है, क्या? ग्रास रूट लेवल पे वो काम करेगा एजेंट ऑफ द एट द ग्रास रूट लेवल, और वॉइसलेस के लिए भी वो एक एजेंट बनेगा। सो नाउ इट क्रिएट्स अ साइनर्जी कि सिविल सर्विस भी एजेंट का काम करेगी,
यूपी एजेंट का काम करेंगे और साथ में मिलकर चलेंगे तो फिर अच्छा अच्छा काम होगा। और डेवलपमेंट एक्सट्रीमिज्म वाला जो पूरा मुद्दा है वहां पर आप अब जोड़ सकते हैं कि ऊपर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग में बैठ के ढेर सारा पैसा नीचे दिलवा दे, राइट। बट वो अगर ठीक से काम ना कर रहा हो सकता है कोई यूथ का कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा हो तो एनजीओ उसकी मदद करें, लाइक दैट ऑल दिस एनर्जी इज क्रिएटेड और आतंकवाद उग्रवाद नक्सलवाद की समस्या को साथ मिलकर ये लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैटालिस्ट रोल हमने देख लिया, अब जरा नेगेटिव मुद्दे देखते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस में ये एनजीओ लोग ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का रोल भी अदा करते हैं। कैसे? एक तो ये एनजीओ लोगों ने एक पीआईएल इंडस्ट्री बना दी है और उसके चलते वो दे आर प्लेइंग मिस्चीफ। अगर कोई डैम बन रहा हो या लैंड एक्विजिशन हो रहा हो तो ये एनजीओ जाके उस विक्टिम को सिखाएंगे, पट्टी पढ़ाएंगे कि सरकार 10 लाख दे रही है, नहीं तुम अभी मत एक्सेप्ट करो, तुम धरने पे बैठ जाओ और हम आपकी मदद करेंगे और 10 लाख के बदले सरकार को 15 लाख देना पड़े इस कारण से हम उसको ऐसा मजबूर कर देंगे। सो दे आर ट्यूटरिंग द विक्टिम्स टू सीक लार्जर कंपेंसेशन। फिर रायड्स हो जाए, एनवायरमेंटल इश्यू हो, कस्टोडियल टॉर्चर, तो ये लोग विक्टिम को या खुद से बोगस एफिडेविट फाइल करेंगे, पीआईएल फाइल करेंगे और इस प्रकार से मिस्चीफ प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट, दे आर हार्मिंग इंटरनल सिक्योरिटी। हम पाते हैं कि जो एनजीओ रेड कॉरिडोर या नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, यूजुअली दे हैव वन टाइप ऑफ एपोलॉजिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स नक्सलाइट इंसर्जेंट टेररिस्ट, सॉफ्ट ब्लो एपोलॉजिस्ट अप्रोच, और फिर वो ह्यूमन राइट्स और इंटरनल सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं चाहिए, पुलिस ब्रुटालिटी कर रही है, इन सबको यहाँ से हटा दो, राइट। तो उस प्रकार से वो इंटरनल सिक्योरिटी में भी जोखिम खड़ा करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा करते हैं। कभी कभी एनिमल्स राइट्स वाले भी पब्लिक इंटरेस्ट पे हावी हो जाते हैं। आपको पता ही होगा कि बड़े शहरों में स्ट्रीट डॉग और मंकी का मैनेज रहता है, तो अगर म्यूनिसिपालिटी इन सभी गली के कुत्तों को पकड़ के उन्हें कहीं और छोड़ के आएंगे, उनकी नसबंदी कर देंगे, अगर ऐसा कुछ करना चाहे तो ये एनजीओ वाले पीआईएल फाइल कर देंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। लेकिन इनको ये भी देखना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ये गली के कुत्ते पूरा दिन घूमेंगे, किसी बच्चे को काट लेंगे, गंदगी फैलाते हैं, राइट। ये मंकी भी दूर पूरा दिन वो यहाँ वहां जंपिंग करके, आपने कोई गमले लगाए हैं वो तोड़ देंगे, आपकी फाइबर सीलिंग वो तोड़ दिया, गाड़ी के कांच को नुकसान कर दिया कुछ। सो एनिमल राइट्स वाले एनजीओ भी इस प्रकार से डेवलपमेंट प्रोसेस पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान कर रहे हैं। आगे, एनजीओ यूजुअली चेरी पिक द कोज बेस्ड ऑन डोनर प्रायोरिटीज। विदेश से जो उनको पैसा आता है और वो विदेशी ताकतों की जो इच्छा चल रही है उस हिसाब से ये लोग लड़ाइयां करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जीपको या ऐसी एनवायरमेंटल लोकल मूवमेंट में हम पाते हैं कि एनजीओ सक्सेस कर गए, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स को न्याय दिलाने में ये लोग फेल कर गए। क्यों? क्योंकि एमएनसी या जो भी विश्व के दूसरे देश से पैसा आता है उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है। आप पाएंगे कि फ्रेंच फंडेड एनजीओ दे आर यूजुअली सॉफ्ट ऑन माओइस्ट। जर्मनी से जो इनको पैसा मिलता है ऐसे एनजीओ हमेशा जीएम फूड के विरोध में अपनी मुहिम चलाएंगे। अमेरिका से पैसा आते हैं ऐसे एनजीओ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। वाई? ताकि वहां की न्यूक्लियर प्लांट को फिर वो लॉबी करा सके और फिर अमेरिका की कंपनी से कॉन्टैक्ट मिल जाए, एंड सो ऑन। और ये इनमें से कोई भी एनजीओ कभी भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट या इसकी बात नहीं करेंगे। भाई, क्योंकि ये खुद सभी न्यूक्लियर पावर हैं, तो ये विश्व में सभी लोग सभी देश न्यूक्लियर आर्म रेस बंद कर दे ऐसा इनकी कभी इच्छा होगी नहीं। 2014 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट आता है और वो बोलते हैं कि फॉरेन फंडेड एनजीओ आर स्टॉलिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडिया। नर्मदा बचाव आंदोलन, मेगा पार्टकर, देन पीयूसीएल, ये नक्सल इलाकों में काम करता है। ऐसे तत्वों के चलते जीडीपी में 2-3% की हमको गिरावट देखने को मिलती है बिकॉज द प्रोजेक्ट्स आर स्टॉल्ड। चाहे वो माइनिंग प्रोजेक्ट हो, डैम प्रोजेक्ट हो, इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर ऑयल ड्रिलिंग या नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन के प्रोजेक्ट हो, और इनके चलते नेशनल इंटीग्रेशन भी मुश्किल हो रहा है। आप समझिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई माइनिंग या ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आप करने नहीं देंगे तो प्राइवेट कंपनी को कभी दिलचस्पी नहीं होगी कि वहां जाके मैं इन्वेस्टमेंट करूं, कोई अपनी टाउनशिप बनाऊं, रोड कनेक्टिविटी नहीं होगा। सो नेशनल इंटीग्रेशन इज बिकमिंग डिफिकल्ट। और ये सभी लोग, ये एनजीओ वाले अगर GS4 का पेपर ईमानदारी से देने बैठे तो सभी लोग फेल कर जाएंगे। भाई, टैक्स अवॉइडेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इनमें देखने को नहीं मिलते। बड़े एनजीओ, इनकी खुद की ब्यूरोक्रेसी रहती है और वो एम्पायर विद इन एम्पायर चलता है। दे आर नाइदर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट पीपल और इवन देयर फॉरेन डोनर्स। हम पाते हैं कि ऐसे बड़े एनजीओ वो हमेशा वाइनिंग डाइनिंग लॉबिंग एडवोकेसी में ही लिप्त रहते हैं। कहीं एक छोटा सा गांव पकड़ के वहां थोड़ा सा काम कर लेंगे और मीडिया के ऐसे फोटोग्राफ और हाईलाइट ऐसा कराएंगे कि हम ही पूरे देश में कर रहे हैं। 10 बच्चों को पढ़ाया होगा तो ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे कि 4,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि विश्व से सारा पैसा फॉरेन डोनर इनको दे दें, ये बड़े एनजीओ को, और जो असल में छोटा एनजीओ काम कर रहा है उसे दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द फंड्स। एक बड़ा नाम हमेशा चर्चा में रहता है, ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों चर्चा में रहता है?
जब भी एनजीओ को विदेश से पैसा आए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA वो उसे रेगुलेट करता है। अब वहां पर सेक्शन 8(1) भी बोलता है कि ये जो उनकी जो भी इस प्रकार से आमदनी है उसे होम मिनिस्ट्री में उन्होंने रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट, ये जितना पैसा आया उसका 50% से ज्यादा वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पे खर्च नहीं कर सकते, वो विकास के कामों में लगाना चाहिए। लेकिन हम पाते हैं कि ग्रीन पीस वालों ने ये यहां पर इरेगुलरिटी दिखाई, अकाउंट कीपिंग उनका बराबर नहीं था। फिर ये लोग मध्य प्रदेश के महान इलाके के अंदर सिंगरौली कोल माइंस है, वहां पर काम होने नहीं दे रहे हैं, किसानों को बढ़ पा रहे हैं, तो उसके चलते पब्लिक इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर गेटिंग हार्म। इसी FCRA का सेक्शन 3(1) बोलता है कि अगर एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट है तो दे कैन नॉट एक्सेप्ट द फंड्स। लेकिन ये ग्रीन पीस के ही कुछ लोग आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं और उसकी ही टिकट से वहां पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, सो दे आर अगेन वायोलेटिंग। तो इन्हीं सब मुद्दों के चलते इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। अब FCRA के ये सेक्शन याद करके जाने चाहिए, वाई? क्योंकि हम देखते हैं 2013 की परीक्षा में पेटेंट एक्ट में भी इस प्रकार के सवाल निकला कि सेक्शन 3D के अनुसंधान में कुछ चर्चा करनी थी, तो अगर आपको सेक्शन याद होगा तो ही वो आप ढंग से जवाब लिख पाएंगे, अदरवाइज गाड़ी दूसरी पटरी पे चल जाएगी। किस प्रकार के सवाल अपेक्षित हो सकते हैं एनजीओ वाले मुद्दे से? एक्सप्लेन द राइज ऑफ एनजीओ इन इंडिया एंड द रेलेवेंस एंड रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट, डिस्पाइट द इंक्रीजिंग असर्टिवनेस ऑफ एनजीओ रोल दे कैनॉट बिकम द सब्स्टिट्यूट टू ब्यूरोक्रेसी। इलाबोरेट, आप अब कर सकते हैं कि हाँ एनजीओ का रोल बड़ा है, क्यों बड़ा है? वो LPG और स्टेट मिनिमलिज्म के कारण, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकते। वाई? तो हमने जो 8 रोल पढ़ लिए ऑफ द सिविल सर्विसेज, एजेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, टेक्निकल एडवाइजर, इम्पार्शियल एडवाइजर, वो सारे मुद्दे अब खिचड़ी पका के आप आराम से इसका जवाब लिख सकते हैं। ओके, तो रोल ऑफ एनजीओ इज ओवर। प्रेशर ग्रुप पे आते हैं। रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप व्याख्या क्या है? प्रेशर ग्रुप की व्याख्या क्या है? ये कौन लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग क्या चाहते हैं, प्रेशर करके क्या करना है इनको, खुद के लिए नौकरी चाहिए या कुछ नहीं? इन्हें फॉर्मल कंट्रोल नहीं लेना है सरकार का। अगर फॉर्मल कंट्रोल ले लेना होता देन वी वुड कॉल देम पॉलिटिकल ग्रुप्स लाइक आम आदमी पार्टी। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनकी जो मंशाएं हैं, इनके इंटरेस्ट हैं, वो सरकार उनका ध्यान रखे, या फिर कि दूसरे इंटरेस्ट ग्रुप हैं उनके सामने हमारे इंटरेस्ट की कमी ना आ जाए। तो मतलब अगर एक कास्ट वाले मांगेंगे कि हमको रिजर्वेशन चाहिए तो दूसरी कास्ट वाले भी दौड़ के आ जाएंगे ये सोचने के लिए कि हमारी कास्ट का कुछ नुकसान ना हो जाए। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम टू सी देयर इंटरेस्ट आर प्रमोटेड और नॉट इग्नोर्ड। अब जिस प्रकार से एनजीओ का उदय हुआ आजादी के बाद, उस प्रकार ये प्रेशर ग्रुप का भी उदय हुआ है। क्यों? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे एक प्रकार की मार्केट इकोनॉमी अस्तित्व में आती है, जहां पर सरकार कंट्रोल करती है उनको, उनके ऊपर टैक्स लगाती है, कुछ इंडस्ट्री को सब्सिडी देती है। स्वाभाविक है ऐसी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होगी तो अलग अलग प्रकार के बिजनेस ग्रुप बन जाएंगे, राइट? सर्विस इंडस्ट्री का होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होगा, फिक्की, नास्कॉम, अलग अलग, जो चाहेंगे कि सरकार टैक्स और टैरिफ और इंडस्ट्रियल फैक्ट्री पॉलिसी जो भी बनाए वो हमारे हित में बनाए। नेक्स्ट, जैसे जैसे ये विकास होता रहा तो राज्य एक वेलफेयर फंक्शन भी देखने लगा कि जहां हर एक सेक्शन के लिए कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हो, सब कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, सब्सिडी दी जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, तो यहां पर भी अलग अलग ऐसे कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड प्रेशर ग्रुप होंगे जो कि चाहेंगे कि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें लाभ मिले। तो इस प्रकार की मार्केट इकोनॉमी वेलफेयर स्टेट में स्वाभाविक है इस प्रकार के लोग प्रेशर ग्रुप का बनना वाजिब है। देन पॉलिटिकल एंगल, पॉलिटिशियन आपको जानता है कि हमेशा उसको वोट बैंक के हिसाब से प्रायोरिटी बनाते हैं। तो अगर लैंड रिफॉर्म की बात आए तो हमेशा पॉलिटिशियन किसकी तरफ जाएगा? लैंडलेस लेबरर की तरफ, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है तो उनके वोट ज्यादा मिलेंगे। तो स्वाभाविक है लैंड रिफॉर्म में दूसरी पार्टी होगी ये जमींदार और जोतेदार वाला ग्रुप, तो वो अपनी पेशकश लेके कहां जाएंगे, कैसे करेंगे? तो स्वाभाविक है उनका एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा जो कि पैसा खिला के या कोई भी काम करके अपने हितों की रक्षा कराएगा। फिर अगर FDI की बात चलेगी तो मल्टी ब्रांड FDI रिटेल में के अंदर लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? स्वाभाविक है वो छोटे किराना वालों का ग्रुप बड़ा है तो सरकार उनकी तरफ में कुछ सोचेगी, तो ये MNC वाले और बड़ी कंपनियां वो क्या करेंगी? वो अब पॉलिटिकल प्रेशर लाना है तो वो अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगी और इलेक्शन फाइनेंस के जरिए या XYZ गेम खेल के वो प्रेशर ग्रुप बनाएंगे अपना। तो ये हो गया मतलब पॉलिटिकल एंगल, जिन लोगों को वॉइस नहीं मिल रहा है लेकिन उनके पास पावर है, देन दे विल क्रिएट सम टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप। देन एक्टिविस्ट और
प्रोटेक्शन राइट वाला एंगल, जैसे नर्मदा बचावर आंदोलन, तो एक प्रकार का एक्टिविस्ट वाला प्रेशर ग्रुप बन गया। राजस्थान के अंदर ये मजदूर किसान शक्ति संगठन था, आई थिंक अरुणा रॉय, फिर आगे चल के उन्होंने प्रेशर बनाया और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने के लिए सरकार को मजबूत किया, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स वाला एंगल। उसी प्रकार से न्यूक्लियर प्लांट चल रहा हो, ट्राइबल इलाकों में माइनिंग की बात चल रही हो, तो इस प्रकार के कोई ना कोई एक्टिविस्ट या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टाइप के प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। अब सवाल होता है ये एनजीओ है कि प्रेशर ग्रुप है? फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो वो तो एक प्रकार का एनजीओ है या प्रेशर ग्रुप है। सेम इज फॉर दिस MKSS। तो इग्नू के एमपीए मॉड्यूल में वो कहीं कहीं प्रेशर ग्रुप के रूप में भी इनका उदाहरण देखते हैं, एनजीओ के रूप में तो मिक्स एंड मैच चलता रहता है। अब सवाल, ये प्रेशर ग्रुप वाले पॉलिटिकल पार्टी से अलग कैसे हैं? पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट होती है, स्टेबल होती है, प्रेशर ग्रुप वाले टेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पटेल, उसे लगे कि अभी के लिए पटेल रिजर्वेशन, तो वो थोड़े दिन चलेगा, मे बी दे मे डिसिपेट, या फिर कि इट मे टर्न इनटू सम टाइप ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी, जैसा आम आदमी पार्टी के साथ हो। तो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजिकल लाइंस होती हैं, वैल्यू प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म विजन एम होता है, उनकी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब आप पाएंगे कि प्रेशर ग्रुप के अंदर ऐसी कैडर की आवश्यकता नहीं रहती। कैडर कहां पे होती है? तृणमूल की कैडर है, कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर है, बीजेपी की कैडर है, आरएसएस की कैडर है। ऐसी प्रेशर ग्रुप को कैडर बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। फिक्की है या ऐसे लोग, तो बस उनको एक लायजन ऑफिसर मिल जाए, कोई मिडल मैन बन जाए, राइट, एक ही दलाल के जरिए वो अपना सारा काम निकाल सकते हैं और सभी पार्टीज को वो प्रेशराइज कर सकते हैं। लॉबिंग से प्रेशर ग्रुप अलग कैसे है? लॉबिंग शब्द का मतलब है कि आप विधानसभा या पार्लियामेंट की गलियारों में घूमे और जो भी एमपी एमएलए मिल जाए उसको कोई फाइल दिखा के या ऐसे करके आप उसे सिखाए, पट्टी पढ़ाए कि आप उस वाले कानून में इस प्रकार से कुछ करवाना, दैट इज कॉल्ड लॉबिंग। इट इज द एक्ट ऑफ लॉयटरिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू लॉबी, टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर। प्रेशर ग्रुप भिन्न कैसे है? प्रेशर ग्रुप वाले भी लॉबिंग तो कराते हैं, वो लॉबिस्ट को पैसा देंगे, लेकिन उसके अलावा भी वो बड़े बड़े काम करेंगे, जैसे इलेक्शन को फंड कर दिया, किसी एक कैंडिडेट को पैसा खिला दिया, ब्यूरोक्रेट को पैसा खिलाएंगे, राइट, कास्ट एक्सप्लोइटेशन करेंगे, रीजनल रीजन के नाम पे कुछ मुद्दे चलाएंगे। सो प्रेशर ग्रुप इज अ बिग थिंग और ये लॉबिंग वाले उसका एक सबसेट है। प्रेशर ग्रुप के अलग अलग प्रकार, एक तो होते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, आईएएस का एसोसिएशन, आईपीएस का एसोसिएशन, फिर कुछ होते हैं एनोमिक ग्रुप्स कि एक आध आदमी खड़ा होकर बना दे, फॉर एग्जाम्पल ये अन्ना मूवमेंट और उसके अंदर लोकपाल वाली बात है। समटाइम्स दे मे टर्न इनटू अनलॉफुल एक्टिविटी लाइक हार्दिक पटेल, रायट्स और प्रोसेशन ऐसा कुछ निकालेंगे, सिग्नेचर कैंडल लाइट कैंपेन चलाएंगे, स्ट्रीट कॉर्नर पे मीटिंग करेंगे, तो इस प्रकार के एनोमिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर एसोसिएशन वाले, एसोसिएशन का गोल हमेशा लिमिटेड रहता है, फॉर एग्जाम्पल एनएसयूआई तो वो स्टूडेंट ग्रुप टाइप है, टीचर एसोसिएशन फिक्की है या नास्कॉम है तो उनका अपने इंडस्ट्री रिलेटेड लिमिटेड गोल है। देन सम नॉन एसोसिएशन बेस्ड कि वो फॉर्मली कोई रजिस्ट्रेशन करा के काम किया हो ऐसा ना हो, तो किनशिप, लिनियज, एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी ये दोनों एक भी हो सकते हैं, एनोबिक भी हो सकता है और नॉन एसोसिएशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हार्दिक पटेल, राइट, वो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन से लेके यहाँ पर आप किनशिप इथनिक ऐसा कुछ सोच सकते हैं। नाउ ये लोग और कुछ प्रकार बनाते हैं, स्टूडेंट यूनियन के नाम पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एनएसयूआई है, एबीवीपी है, कास्ट रिलीजन के नाम पे प्रेशर ग्रुप है, वीएचपी, बजरंग दल, क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस, जमाते इस्लामी एंड सो ऑन। महिलाओं के अपने प्रेशर ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल गुलाबी गैंग है, वो डोमेस्टिक एब्यूज और एंटी लीकर पॉलिसी चलाती है, फिक्की का अपना लेडीज ऑर्गेनाइजेशन करके अलग से प्रेशर ग्रुप बनाया है एंड सो ऑन। तो ये प्रेशर ग्रुप किस प्रकार से, फिक्की वाले ये चाहेंगे कि महिला एंटरप्रेन्योर्स को टैक्स ऑफ दिया जाए, इसके लिए हमारा प्रेशर ग्रुप चलेगा। फिर कुछ बड़े प्रेशर ग्रुप की बात कर ले, बिजनेस ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल फिक्की, नास्कॉम, ये आजादी से पहले काम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि इनके पास ढेर सारा पैसा है। ये लोग ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन इनका पूरा कंट्रोल एकदम सर्जिकल रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसी टैक्स पॉलिसी और ऐसे FDI के नियम बन जाएंगे कि इनको बहुत सारा मजा आए, और इसके चलते इन लोगों को इंटरनेशनल बैकिंग भी ढेर सारा मिलता है। ट्रेड यूनियन, ये भी आजादी के पहले से चल रहे हैं, राइट, कुछ कम्युनिस्ट के साथ एसोसिएटेड है, कुछ कांग्रेस के साथ, कुछ बीजेपी के साथ है। ये लोग क्या चाहते हैं, आपको पता ही होगा, हायर वेजेस, शॉर्टर वर्किंग आवर्स, बेटर लिविंग कंडीशन। ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, स्ट्राइक्स, राइट, सभी चीजों में लिप्त रहते हैं। ऐसा जिनको सारी चीजें चाहिए किससे, कंपनियों से चाहिए, लेकिन इनको पता है कंपनी वाले नहीं देंगे, तो वो हमेशा जो भी स्ट्राइक वगैरह करेंगे सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए करेंगे। इसके चलते नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं कि ये लोग स्ट्राइक्स, इलेक्शन वर्क में इंटरफियर करते हैं एंड सो ऑन।
ये लोग कभी कभी बहुत वोकल हो जाते हैं, मिलिटेंट एक्टिविटी भी करते हैं, राइट, और इसके चलते इंटरनेशनल बैकिंग इनको लिमिटेड मिलता है। आप पाएंगे कि हरियाणा के अंदर मारुति का मानेसर प्लांट था, यहां पर ट्रेड यूनियन वालों ने धमाल कराई ये बोल के कि हमारा जितना पगार है उससे 3 गुना ज्यादा कर दो। सो स्ट्राइक, वायलेंस किया, एक मैनेजर को आग लगाई तो उसमें वो जला दिया और करोड़ों का नुकसान कर दिया। ठीक है, प्रेशर ग्रुप की अलग अलग काम करने की कैपेसिटी, फंक्शनिंग, टूल्स, मेथड्स। एक तो उनकी लीडरशिप, वो खुद चल के उनका लीडर आईएएस मिनिस्टर जनता के साथ कम्युनिकेट करे। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, अगेन फिक्की। फिक्की के अंदर राज्य के हर एक राज्य में उनका एक डायरेक्टर होगा और डायरेक्टर के नीचे उनकी स्टेट ब्यूरोक्रेसी होती, तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशनली अपना काम करेंगे। इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर जितना ज्यादा होगा तो वो इलेक्शन फाइनेंस कर पाएंगे और अपने मुद्दों को, अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे। देन मीडिया, आप पाएंगे कि रिलायंस उसके नीचे है नेटवर्क 18 और उसके नीचे CNN, IBN और इस प्रकार के अलग अलग चैनल। उसी प्रकार जी ग्रुप है और उसके नीचे जी टीवी और अन्य चैनल। तो इस प्रकार से ये लोग बिजनेस ग्रुप्स आर कंट्रोलिंग मीडिया, तो वो भी फिर अपने हिसाब से जो जो उनको मुद्दे चलाने हैं वो चला के प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। और फिर कुछ भी ना आए, आपके पास ऐसा कोई मनी पावर नहीं है, मीडिया पावर नहीं है, देन डायरेक्टली यू कैन डू कैंडल लाइट स्ट्रीट सिग्नेचर और तोड़फोड़ कर सकते हो आप। रोल इन डेमोक्रेसी पॉजिटिव क्या है, पॉलिसी मेकिंग में ये लोग मदद करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो 5 साल में एक बार आके चली जाएंगे, उसके बाद आपके हितों की रक्षा करने के लिए ये हमेशा लड़ते रहते हैं। ओके, दे आर चेकिंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। प्लूरालिज्म भी है। प्लूरालिज्म कैसे, एक तरफ आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि तंबाकू और दारू का हर तरह से विरोध करेंगे, और उसके सामने आपको ऐसे प्रेशर ग्रुप भी मिल जाएंगे जो कि टोबैको लॉबी है अपनी, वाइन वाली लॉबी है। सो देयर इज प्लूरालिज्म, हर एक प्रकार के तबकों को अपनी बात रखने का मौका ये लोग देते हैं, और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएटेड नहीं होते, तो हर एक पार्टी को इनकी बात सुननी पड़ती है और सभी के हितों की रक्षा करनी पड़ती है। नेगेटिव पॉइंट्स, सो दे आर नॉट इंक्लूसिव इन नेचर। आप पाएंगे कि LGBT या प्रोस्टिट्यूट, तो उनका कोई प्रेशर ग्रुप बन नहीं पाएगा। ये ऐसे ही लोगों का प्रेशर ग्रुप बनता है जिनके पास कास्ट का पावर है, मनी पावर है या नंबर का पावर है। और क्योंकि भारत के अंदर लोग या तो अनपढ़ हैं या आधे पढ़े हैं, आधे पढ़े लिखे, सो समटाइम्स कोई एक पर्सन विद कैरिज्मेटिक पर्सोना ही वुड डू के वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट बना के वो तोड़फोड़ कराएगा और ढेर सारी चीजें कराएगा। यहां पर भी कंज्यूमर, टैक्स पेयर, वीमेन, माइनॉरिटीज, उनका रिप्रेजेंटेशन आप नहीं पाएंगे। और कभी कभी ये लोग एनआरकी और लॉलेसनेस भी आ जाते, गेराव, बंद स्ट्राइक, आप सब जानते हैं। और इन्हीं के चलते दे बिकम टूल्स ऑफ पॉलिटिशियंस एंड देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, लाइक कास्ट रिजर्वेशन के लिए लड़ाई करो, इसके लिए लड़ाई करो, उसके लिए, एंड सो ऑन। करप्शन एंगल भी है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप के पास ढेर सारा पैसा है तो वो इलेक्शन फाइनेंस करेंगे, राइट। आप पाएंगे कि 1991 से पहले ये सभी एक लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर रहा था, तो तब बिजनेसमैन वो अपने लाइसेंस ऑफिसर अपॉइंट करके सबको पैसा खिलाते थे, घूस खिलाते थे, प्रेशर ग्रुप इस प्रकार से चलते हैं, तो वो उसका सारे एथिकल एंगल। और इन्हीं के चलते आजकल स्टेट गवर्नमेंट ऐसी सभी चीजों पे दे हैव बिकम सो मच रिस्पॉन्सिव टू सच कार्टेल्स। और ऐसी कार्टेल्स के चलते FDI या टोबैको कोई भी काम कराना हो उस पे काम हो नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको लॉबी ऑफ इंडिया, और वो प्रेशर ग्रुप बन के कैसे नुकसान कर रही है। हर घंटे 112 लोग तंबाकू के चलते कैंसर वगैरह से मर जाते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर तंबाकू का सेवन कम कराना है दो चीजें करानी पड़ेगी, आप तो ये तंबाकू उत्पादों के ऊपर ढेर सारा टैक्स लगा दो, और दूसरा लेबल लगाओ, पिक्टोरियल वार्निंग्स। लेकिन ये तंबाकू लॉबी के ये लोग इसे ये काम हो नहीं देने पा रहे हैं। आप पाएंगे कि अभी सिगरेट के ऊपर 40% लेबल है, उस पर पिक्टोरियल वार्निंग होनी चाहिए, इसको बढ़ा के करना था 85%, लेकिन वो डिले करा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रुप्स। यहां तक कि एक पार्लियामेंट की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी थी जो कि इस कानून के ऊपर देख रही थी, पिक्टोरियल वार्निंग्स इन सिगरेट एंड टोबैको एंड अदर प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, लेकिन वहां पर भी ये पूरा काम अटक गया है बिकॉज ऑफ दिस टोबैको लॉबी। देन गोल्डन गैंग ऑफ महाराष्ट्र, ये क्या है? इट इज अ कोटरी ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। ये लोग काम ये करेंगे, थाने म्यूनिसिपल एरिया के अंदर जो भी बिल्डिंग या रियल एस्टेट का काम चल रहा है वहां पर वो देख लेंगे कि फाइल में कहां किसको अप्रूवल मिला है, और फिर छोटी मोटी बातों पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसका इश्यू उठाएंगे और यहां पर रियल एस्टेट का काम रुकवा देंगे, जब तक कि ये बिल्डर जाके इस कार्टेल को, इस प्रेशर ग्रुप को ढेर सारा पैसा ना खिला दे, राइट। तो इसके चलते करोड़ों के प्रोजेक्ट थाने के अंदर अटके हुए हैं, और बिल्डर बिल्डर था जिसे सुसाइड भी कमिट करना पड़ा, एंड CM ने ये भी तक बोलना पड़ा कि ये गोल्डन गैंग को हम
इसके सामने अब कुछ एक्शन लेना है. सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप. आईएएस लॉबी एज अ प्रेशर ग्रुप. इनकी सेवन पे कमीशन के साथ लड़ाई चल रही है भाई. हम पाते हैं कि एक तरफ आईएएस हो, दूसरी तरफ आईपीएस, आईआरएस और एससी सर्विसेज. तो इन सब के सामने आईएएस को 2 साल पहले प्रमोशन मिल जाता है और 2 ज्यादा इंक्रीमेंट मिल जाते हैं. जब भी केंद्रीय मंत्रालयों के अंदर कोई पोस्टिंग होने वाली हो तो इनको सबसे पहले डेप्यूटेशन पे वो चांस मिल जाता है. तो मतलब कि आईएएस लोग आगे उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है कंपेयर टू अदर सर्विसेज. तो ये सेवन पे कमीशन ने क्या बोला कि नहीं, सभी ऑल इंडिया सर्विसेज को इक्वल पे पैरिटी मिलनी चाहिए, सबको एक समान रूप से वो इंक्रीमेंट जितनी जल्दी मिलते हैं तो सबको एक गति से मिलने चाहिए. उसी प्रकार केंद्र सरकार के अंदर अलग अलग मंत्रालयों में जब पोस्टिंग करना है, डेप्यूटेशन पे भेजना है, तो वो क्राइटेरिया होना चाहिए कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को भेजा जाए, ना कि जर्नलिस्ट है, आईएएस है तो उसे हर एक जगह पे बैठा दो. तो मतलब कि अगर एड्स का कुछ ना को काम करिए तो उस प्रकार के आदमी को भेजो, फॉरेस्ट या माइनिंग का कुछ काम है तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले आदमी को भेजा जाए एंड सो ऑन. तो मतलब सब्जेक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से वहां पे लोग भेजे जाए, ना कि जर्नलिस्ट सभी जगह पे आप यूज करें. स्वाभाविक है आईएएस एसोसिएशन को इससे मजा नहीं आएगा. तो दे आर एक्टिंग एज अ प्रेशर ग्रुप. कैसे? डीओपीटी, यूपीएससी, इन सबको ये लोग लेटर लिख रहे हैं कि ऐसा करने से देश को ये नुकसान होगा. फिर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, उसके चलते अपने मुद्दों को वो चला रहे हैं, हवा दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, देयरफॉर वी आर केटरिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. और उसके सामने ये आईआरएस आईटी वालों की क्या औकात है, वो तो देश की केवल 4% जनता को, इनकम टैक्स पेयर को सर्व करें, सो ऑन. ओके, तो ये मतलब इस प्रकार से इनका प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है. अब क्रिटिसिज्म ये कि अगर आईएएस लोग इस प्रकार से एसोसिएशन बना के काम करेंगे, लेटर कैंपेन और व्हाट्सएप ग्रुप चलाएंगे, देन इट इज हर्टिंग द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज. कि ये ट्रेड यूनियन की माफिक आप चले कि हमको जल्दी पगार और बड़ा पगार मिलना चाहिए, दैट इज नॉट राइट. तो एथिक्स GS4 में अगर कोई ऐसी केस स्टडी बनाई जाए जहां पर कि कोई कमीशन बना है और आपकी सर्विस को नुकसान हो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर आप जो भी जवाब लिखे इस प्रकार के मुद्दों से बचे. सवाल GS2 में पूछ लिया था, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इज समटाइम्स सीन एज द इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स विद रिगार्ड टू अबव असेस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप इन इंडिया. तो अब आप लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं. GS3 के अंदर 2 मुद्दों की चर्चा करनी है, ड्राफ्ट IPR पॉलिसी बाय जस्टिस प्रभाश्री देवन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल 2, हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल और स्विस चैलेंज मॉडल. सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. इन्वेस्टमेंट मॉडल में अभी कौन से थे एग्जिस्टिंग? एक था बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT एन्युइटी मॉडल. मतलब कि वहां सरकार प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को इंस्टॉलमेंट में पैसा देगी और वो प्रोजेक्ट बनेगा, काम करेगा. नेक्स्ट इज कॉल्ड BOT टोल मॉडल. मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो बनाएगा और वहां से वो खुद टोल यूजर फी के नाम पे पैसा लेगा और अपना कॉस्ट रिकवर करेगा. देन थर्ड वॉज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, दैट इज EPC टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये तो मतलब चल रहे थे लेकिन मजा नहीं आ रहा था. मजा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि धीरे धीरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप कम हो रही थी. वाई? क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन के चलते स्वाभाविक है मेन मटेरियल का ट्रैफिक धीरे धीरे कम होगा. तो अगर आपने कोई रोड बनाया है, कोई एयरपोर्ट बनाया, कोई सी पोर्ट बनाया है, वहां पर ट्रैफिक कम आएगा तो आप टोल फीस के नाम पे या यूजर चार्जेस के नाम पे आपको पैसा कम मिलेगा. तो प्राइवेट इन्वेस्टर की वहां पर दिलचस्पी नहीं है. लैंड फॉरेस्ट क्लियरेंस के इश्यू थे, NPO के इश्यू थे, राइट? तो जेटली ने अपने बजट में ऐसा प्रॉमिस किया कि हम लोग इसके अलावा कोई नए टाइप के इन्वेस्टमेंट मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आएंगे. सो 2 चीजें लेके आए वो, हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल जिसकी मदद से महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, UP वहां पर हाईवे डेवलप किए जाएंगे. एंड नेक्स्ट इज स्विस चैलेंज मॉडल जिसकी मदद से 400 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा. सबसे पहले देख लेते हैं हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल. हाइब्रिड शब्द आप समझते हैं, 2 प्रकार के, मतलब अगर गेहूं हो उनके अच्छे अच्छे एलिमेंट्स लेके मैं अगर नया गेहूं बना दूं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. तो उसी प्रकार ये हाइब्रिड है तो उसने BOT और EPC यहां से अच्छे अच्छे एलिमेंट्स लेके ये हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल बना है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल. समझते हैं, कोई भी PPP इन्वेस्टमेंट चीज चलेगी वहां पर रिस्क रहते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. 3 टाइप की होती है कि सबसे पहले कि फाइनेंस कौन करेगा प्रोजेक्ट को, दूसरा प्रोजेक्ट जो भी बना दिया, एयरपोर्ट बनाया, रोड बनाया,
वो चालू हो गया उसके बाद उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जवाबदारी और रिस्क किसका रहेगा। एंड तीसरा, ये चीज जो बनाई है वहां से जो पैसा आएगा वो कौन कलेक्ट करेगा? रेवेन्यू। ओके, तो फाइनेंस, ओएम और रेवेन्यू, उसके रिलेटेड रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसके ऊपर होगी? सरकार के ऊपर होगी कि कंपनी के ऊपर होगी? उस प्रकार से हम तीन टाइप के मॉडल देखते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। यहां पर ये तीनों जिम्मेदारियां किसकी होगी? प्राइवेट सेक्टर की। फाइनेंस का पैसा भी वो खुद से लोन में लेके आए या बॉन्ड इश्यू करके लेके आए, वो कंपनी वाला लेके आएगा। वो जो भी बनाई चीज उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस भी वो कंपनी वाला देखेगा, और वहां से रेवेन्यू जो भी कलेक्शन का काम है वो भी कंपनी वाला देखेगा। तो ये हुआ बीओटी मॉडल। अब यहां पर तकलीफ क्या थी? फाइनेंस के लिए उसने पैसा लाना था तो सबसे पहले तो लैंड और एनवायरमेंट क्लियरेंस उसने लेके रखना पड़ेगा, फिर जाके वो अपना कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू कर सकता है या बैंक को लोन पेपर के लिए मंजूरी ले सकता था, राइट। लेकिन ये काम हो नहीं रहा था, तो ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो फाइनेंस लाने में कंपनी वालों को दिक्कत थी। नेक्स्ट, मान लो ये बीओटी प्रोजेक्ट बना भी दिया तो ग्लोबल स्लो डाउन हो गया, ट्रैफिक में कमी आ गई, तो वो अपना पैसा रिकवर कर नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट, महंगाई जितनी जितनी बढ़ती जाएगी तो ऑपरेशन मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन सामने इन लोगों को अपने टोल फीस वगैरह बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो इन्फ्लेशन के चलते जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अंडर रिकवरी बढ़ती जाएगी। मतलब इस मुद्दे बीओटी में कुछ खामियां थी। जवाब क्या हो सकता है? हाइब्रिड मॉडल पे जाओ, एक ये बात। अब ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर फाइनेंस की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। ओएमएम, ऑपरेशन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, रिस्क किसके माथे? सरकार के ऊपर। रेवेन्यू कलेक्शन, उसकी जिम्मेदारी और टेंशन किसके माथे? सरकार के माथे या पब्लिक सेक्टर, जो भी निगम है, पीएसयू है, ईपीसी। अब हाइब्रिड क्या करेगा? यहां दोनों तरफ से बीओटी ईपीसी से अच्छे अच्छे पॉइंट्स ले लेगा। तो सबसे पहले आएगा फाइनेंस। हाइब्रिड मॉडल का फाइनेंस पैसा किधर से आएगा? 60% प्रोजेक्ट फंडिंग करेगा प्राइवेट वाले, 40% कौन करेगी? सरकार या पब्लिक सेक्टर, एनएचआई, जो भी। दूसरा, ऑपरेशन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? प्राइवेट वालों की। ऑब्वियसली आप समझिए, अच्छा कहां पर होगा? प्राइवेट वाले अच्छे से ओएनएम कर सकते हैं, तो यहां पर क्योंकि हमने अच्छे मुद्दे लेने हैं तो हाइब्रिड में प्राइवेट वाले ओएमएम देखें। देन रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन और उसका काम कौन देखेगा? सरकारी एंटिटी देखेगी। तो दिस इज हाइब्रिड मॉडल। अब फाइनेंसिंग जरा आराम से समझते हैं हाइब्रिड मॉडल का। मान लो कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, रोड ही 1 किलोमीटर रोड बनाना है और 100 रुपए उसका कॉस्ट होने वाला है। यहां पर सबसे पहले तो प्रावधान किया जाएगा कि इन्फ्लेशन का, कि वो 1 किलोमीटर रोड बनाने में हो सकता है 5 साल लग जाए, और वो वहां तक वो डामर और सीमेंट और बुलडोजर के पेट्रोल डीजल का खर्चा, राइट। तो इन्फ्लेशन को कंसिडर करना चाहिए। तो हाइब्रिड मॉडल में वो उस प्रकार से इन्फ्लेशन को कंसिडर करके ये प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालेंगे। मान लो कि 100 रुपए निकला, तो वहां से हमने जाना कि फाइनेंस करेगा तो 60-40 का रेशियो है, तो 60 रुपए कौन लाएगा? प्राइवेट कंपनी वाला, जो भी जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कंसेशनरी जो भी है। और 40 रुपए कौन लगाएगी? सरकार लगाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि 40 रुपए तुरंत सरकार ने उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे देने हैं, नहीं, उस 40 रुपए का भी 40% वो 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, टुकड़ों टुकड़ों में। ये इंस्टॉलमेंट इस प्रकार से कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी रोड बनाना है उसका 20% कंप्लीट कर दे तो पहला हफ्ते का पैसा मिल गया, फिर 40% में दूसरे हफ्ते का, लाइक दैट। तो मतलब ये 40 रुपए में से 16 रुपए इस प्रकार से टुकड़ों टुकड़ों में बांटे जाएंगे, और बाकी का 40 रुपए है। ओके, यू इफ यू थिंक दिस इज 100%, तो इसका 40% बन रहा है रोड तब मिल दे देंगे, राइट। और बाकी का 60% कब देंगे? जब वो रोड चालू हो जाएगा तो सरकारी एंटिटी वहां पर टोल कलेक्शन चालू करेगी, और वो टोल कलेक्शन में जो जो पैसा आएगा वहां से टुकड़ों टुकड़ों में 15 से 20 सालों में वो पैसा प्राइवेट वालों को देंगे। इस प्रकार से फाइनेंस चलेगा। सो अब फायदे क्या है इसके? आप देखिए, प्राइवेट वालों को 100 रुपए नहीं लगाने थे जैसा कि बीओटी में करना पड़ता था, उसने केवल 60 रुपए लगाने हैं। दूसरा, उसका रिटर्न भी अश्योर्ड है। क्यों? ये सरकार वाले वो टोल कलेक्शन में उसे टुकड़े टुकड़े में देने वाले हैं। देयरफॉर नाउ इट इज इजी फॉर हिम टू गेट फाइनेंस। वो फाइनेंस कहां से लाएगा? अपने 60 रुपए भी वो अपनी जेब से नहीं निकालेगा, वो कोई बॉन्ड इशू करेगा, कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। ओके, तो वहां से वो फाइनेंस लाना अब उसके लिए आसान हो गया। और सरकार को क्या फायदा है? ये 40 रुपए भी देने हैं तो तुरंत नहीं देने हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देने हैं। अदरवाइज अगर ईपीसी टाइप से चला दे तो सभी पैसे एक साथ देने पड़ते, तो अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन इज लेस। दूसरी बात, ये सभी पैसे एक साथ नहीं देने, टुकड़े टुकड़े में तब देने हैं जबकि फिजिकल प्रोग्रेस बनती रहे। मतलब अगर वो कंपनी काम नहीं कर पा रही तो उसे पैसा नहीं देना है।
सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द हाइब्रिड फाइनेंसिंग मॉडल। लेकिन इतना पैसा भी पर्याप्त नहीं है, उससे और पैसा आगे चाहिए, तो उसकी क्या दवाई कर सकते हैं? पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट बिल लाया जाए, जिसकी मदद से ये एनएचएआई और हाईवे कॉन्ट्रैक्टर के बीच 20,000 करोड़ रुपए डिस्प्यूट में लगे हैं वो सारे निकल आए। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू करेंगे, रोड पे मतलब पेट्रोल डीजल एक्साइज के ऊपर रोड सेस लगाया गया है, वहां से हम पैसा लेके आएंगे। 20,000 करोड़ के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया, तो इस प्रकार से और फाइनेंस आता जाएगा। अब ये जो भी पैसा आएगा उससे रोड बनाने हैं। अभी रोड कंस्ट्रक्शन अपना धीमा चल रहा है, हर दिन केवल 12 किलोमीटर बन रहा है, उससे बढ़ा के हमारी इच्छा है कि 30 किलोमीटर रोड रोज बने और हर साल इस प्रकार से 8,500 किलोमीटर रोड बनता रहे। तो ये कैसे बनाएंगे? बीओटी की मदद से 2,000 किलोमीटर, ईपीसी से इतना और हाइब्रिड एन्युटी से इतना। सो मतलब सरकार को भी पता है कि अब बीओटी में ज्यादा पैसा आने वाला नहीं है, इसलिए टारगेट भी उन्होंने कम कर दिया है कि उससे थोड़ा कम रोड बनाएंगे और सबसे ज्यादा रोड कहां से बनाएंगे? हाइब्रिड मॉडल वाले से। ठीक है, स्वाभाविक है कुछ लोगों को मजा नहीं आएगा। क्रिटिसिज्म ये है कि हाइब्रिड मॉडल में हो सकता है कि डेवलपर का कॉस्ट एस्टिमेट में फर्क आना लगे। सपोज मैं एनएचएआई से कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लेता कि मैं 100 रुपए में किलोमीटर रोड बनाने वाला हूँ, और ये बीओटी मॉडल है तो मतलब 100 रुपए में अब बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, फिर वो 120 हो जाए या 95 वो मेरे माथे पे है। यहाँ पर कॉस्ट शेयरिंग करना है, हो सकता है कि वो पीछे से अपना कॉस्ट एस्केलेट कर दे और फिर कुछ गड़बड़ कर दे। देन हमने एक अलग से पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट बिल भी लाने की आवश्यकता है, जिसकी मदद से एनएचएआई और ऐसे कंसेशनरी और उनके बीच का जो भी डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करने की जरूरत है। सो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वो खत्म। दूसरा चल रहा है स्विस चैलेंज मॉडल। ये क्या है? कोई प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर सरकार के पास खुद से चला जाए सुओमोटो अनसॉलिसिटेटेड इनोवेटिव प्रपोजल लेके। शब्दों पे आप ध्यान रखिए, सुओमोटो, सुओमोटो मतलब वो खुद ही अपने आप से उसे विचार आ जाए और वो प्रपोजल लेके जाए। इनोवेटिव होना चाहिए, मतलब सरकार टेंडर जारी करे और वो फाइल लेके आए, ऐसा नहीं, वो खुद से अपने मर्जी से जाए। तो मान लो रतन टाटा जाते हैं ये प्रपोजल लेके कि हर एक रेलवे स्टेशन में टाटा स्काई फिट करेंगे और बड़े बड़े टीवी लगाएंगे, ताकि जब लोग रेल के लिए वेट कर रहे हो तब वो आधे घंटे 15 मिनट की उनको फिल्म दिखाई जाए स्किल डेवलपमेंट की, और उससे उनकी स्किल की और बढ़िया हो जाए और हमको स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया में मदद मिलेगी। सो व्हाट इज दिस? वन टाइप ऑफ सुओमोटो इनोवेटिव प्रपोजल। ऐसा लेके वो जाए सरकार के पास, रेल मंत्रालय के पास। रेल मंत्रालय क्या करेगा? इस प्रपोजल को अपनी वेबसाइट पे रखेगा ताकि और लोग इसको चैलेंज कर सके, इस प्रपोजल को। तो मान लो बिरला आ जाते हैं चैलेंज मारने के लिए कि टाटा स्काई की वो डिश टीवी फिट नहीं करनी है, उससे बेटर कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से एलसीडी प्रोजेक्टर लगा के स्क्रीन पे कुछ दिखाएं, तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, उससे ज्यादा लोग देख पाएंगे और एक्स वाई जेड। तो और ये उसको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए तो ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल लगाएंगे। तो मतलब कि ये चैलेंजर नया प्रपोजल लेके आए विच इज बेटर इन कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स। तो फिर कमिटी, एक एक्सपर्ट कमिटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि बेस्ट प्रपोजल कौन सा है, उस हिसाब से काम किया जाए। अब स्विस चैलेंज मॉडल में अलग अलग अल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं। कुछ बार ये होता है कि एक्सपर्ट कमिटी फिर ये बोले रतन टाटा को कि भाई बिरला वाला प्रपोजल कुछ बढ़िया दिखता है, उसके काउंटर में आपने कुछ अगर बनाना है तो नया प्रपोजल लाके दो। या फिर कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिरला वाला प्रपोजल सही है लेकिन रतन टाटा उसको डेवलप करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपर्ट कमिटी ऐसा बोले कि बिरला वाला प्रपोजल सही है और रतन टाटा आप इस प्रकार से क्लाउड कंप्यूटिंग से ये करो, बट तब रतन टाटा ये बोल सकते हैं कि कुछ भी करने का था लेकिन मेरा ईगो हट नहीं करने का था, मैं तो डिश टीवी लगाऊंगा। सो ही मे रिजेक्ट दैट बेस्ट ऑफर, और उस केस में फिर ये जो चैलेंजर है उसको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा और वो जाके डेवलप करे। या फिर ये पूरे प्रपोजल का आईपीआर, प्रपोजल क्या था कि रेलवे स्टेशन पे स्किल डेवलपमेंट की तालीम देना, तो इस प्रकार का जो भी इसका कॉपीराइट या पेटेंट बनता है वो सरकार अपने नाम पे खरीद ले रतन टाटा से, और फिर उसके ऊपर बीड्स मंगाई जाए प्राइवेट सेक्टर से और टेंडर निकाल के फिर वो काम किया जाए, और हो सकता है कि ये दोनों को ना मिले, कोई तीसरी पार्टी यानी लंबाड़ी ले जाए। सो दीज आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द स्विस चैलेंज मॉडल। इसके फायदे क्या है? अपने को ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाना है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाई, दीज आर नेशनल प्रोजेक्ट्स, वहां पर सरकार का ध्यान है। लेकिन लोकल प्रोजेक्ट्स उस पर सरकार की उतनी प्रायोरिटी नहीं होती, तो हो सकता है ऐसे प्रोजेक्ट को और वेग मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अपने ये नारायण साई स्कूल जो चल रही है, नारायण गुरु स्कूल, वहां पर एक सर्कल की आवश्यकता है, अदरवाइज बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है।
तो कोई बिल्डर अगर ऐसा कोई प्रपोजल लेके आए मे बी, तो वो आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, जो भी प्रपोजल आएगा उसे हम ऑनलाइन रखेंगे, मतलब कोई छिछोरपंथी वाले प्रपोजल आएंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने चैलेंज मारने वाले भी होंगे। देन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये सही सिस्टम है और इसे इसके जरिए अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, सरकारी पैसे का खर्च किया जाए, तो वो सही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब के अंदर रोड और हाउसिंग के कुछ प्रोजेक्ट इस प्रकार से बनाए गए हैं और वहां पर अच्छा सक्सेस हमको मिला है। दूसरे भी कुछ पीपीपी प्रोजेक्ट जो अटक गए थे, वहां पर ये स्विस चैलेंज से उसे आगे बढ़ा सके हम लोग और अच्छा काम हो सका है। रेल मिनिस्ट्री ने भी माना है कि ये अच्छी चीज है, और रेल मिनिस्ट्री, आपको पता होगा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि खुद से सारी चीज डेवलप कर पाए। ओके, तो उन्होंने भी 400 रेलवे स्टेशन को ऐसे रीडेवलप करने के लिए वो सोच रहे हैं कि स्विस चैलेंज मॉडल से हम लोग पैसा, मतलब कि प्राइवेट प्लेयर्स को बुला के काम करेंगे। तो ये तो अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हुए हैं, उसके सामने नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या? ट्रांसपेरेंसी का यहां पर कभी कभी हम अभाव देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सन टीवी और मारन ग्रुप और यूपीए सरकार और वहां पर ए राजा, तो अगर ऐसे समय में ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलता कि वो डिश टीवी फिट कर देंगे और वहां से स्किल की तालीम देंगे, हो सकता है कि उनकी आपस में कोई उनका कोई सेटिंग हो, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देन लैक ऑफ फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, कैसे? रतन टाटा बोल के गए कि मेरे को टाटा स्काई सैटेलाइट डिश फिट करनी है, और बिरला बोल रहे कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से उसका लाभ उठाएं, तो दोनों के टेक्निकल और स्पेसिफिकेशन अलग हो गए, तो अब उनमें से कौन सी ऑफर बढ़िया है वो तय करना मुश्किल हो जाएगा। सो इट मे लीड टू लैक ऑफ फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल पोटेंशियल बिडर्स। हो सकता है कि आपस में उनका क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाए। 400 रेल स्टेशन को डेवलप करना है, अब रतन टाटा और बिरला आपस में सेटिंग कर ले कि भाई मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर रतन टाटा सभी जगह पे जाके अपना प्रपोजल रखेंगे, और केवल दिखाने के लिए बोलने के वास्ते बिरला उसको चैलेंज मारेंगे, लेकिन एकदम छिछोरपंथी वाला आइडिया रखेंगे ताकि रतन टाटा जीत जाए, और उसकी मतलब यू स्क्रेच माय बैक एंड आई स्क्रेच योर, उस हिसाब से फिर जब बिरला राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल रखेंगे तो रतन टाटा उनकी मदद करेंगे कि वो छिछोरपंथी में चैलेंज करेंगे ताकि बिरला वहां पे सेट हो जाए। सो इट मे लीड टू सच क्रोनी कैपिटलिज्म। कई बार ये हो सकता है कि आपको पर्याप्त मात्रा में चैलेंजर मिले ही नहीं, और उसके चलते प्रोजेक्ट मतलब वो एफिशिएंटली कंडक्ट ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगर टाटा स्काई का प्रोजेक्ट आया तो उसको चैलेंज मारने के लिए कौन आ सकता है? डिश टीवी वाले, एयरटेल वाले, रिलायंस वाले, तो ये तो चार ही लोग हुए। अगर ज्यादा कंपटीशन होता देन वी कुड हैव एक्सप्लोर की अच्छा प्रोजेक्ट आ सकता है। ऐसा हमें अलग अन्य देशों में देखने को मिला है कि चैलेंज नहीं मिलती बराबर। जब प्लानिंग कमीशन जिंदा था तब वो बोल के गया कि स्विस मॉडल को एक्सेप्शनली केस में ही यूज करना चाहिए एज अ रूल, की इसी की मदद से विकास हो वो बात बढ़िया नहीं रहेगी। लेकिन ये बीजेपी सरकार कर रही है कि 400 रेल स्टेशन का डेवलप केवल इसी के जरिए करेंगे, तो ये ठीक नहीं हो रहा है। ओके, तो हाइब्रिड एन्युइटी देख लिया, स्विस चैलेंज मॉडल देख लिया, और क्या चल रहा है? भारतमाला। भारतमाला का प्रयोजन क्या है? ये सभी बॉर्डर स्टेट हैं, वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, मतलब यहां वेस्ट में गुजरात से चले और आप रोड बनाते चलो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ऐसे ऐसे करते आप ईस्ट में पहुंचोगे तो अंत में कौन आएगा? मिजोरम। यहां तक कुल मिला के 7000 किलोमीटर का रोड बनाइए, और अगर पहले से बनाए तो उसे अपग्रेड करिए, चौड़ा करिए। 2019 तक ये काम खत्म करो 80,000 करोड़ रुपए की राशि की मदद से। तब समझो ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से एक माला चल रही है, और ये माला ऐसे में डालू तो ये क्या हो गई, जैसे वर माला होती है ये हो गई भारत माला। तो दिस इज कॉल्ड भारत माला प्रोजेक्ट, और इस प्रकार से ये एंटायर लैंड बॉर्डर एरिया इज कवर्ड इन दिस नेकलेस और माला। उसके बाद इसको कोस्टल स्टेट के साथ कनेक्ट कर लो, तो यहाँ कौन किसके साथ कनेक्ट होगा? महाराष्ट्र के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ ईस्ट वाला है वो किधर कनेक्ट होगा? ये बंगाल और नीचे वेस्ट बंगाल, मतलब विशाखापट्टनम, कलकत्ता, पोर्ट एंड सो ऑन। अब तो मतलब ये लोग यहाँ कनेक्ट हो गए, और फिर बड़ा चित्र क्या हुआ कि ऊपर बॉर्डर को भारत माला पहना दी, और नीचे हो गया, नीचे भी एक प्रकार की ये माला ही बन गई, तो ये वो सागर माला हो गई। सो लाइक दैट ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया और नीचे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया। इससे फायदा क्या होगा? स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट कैसे? कल उठ के लड़ाई हो गई तो आप जल्दी से आर्मी को डिप्लॉय करना है, लॉजिस्टिक उनको हथियार, एम्यूनिशन, खाना पहुंचाना है, तो रोड बढ़िया होगा, आप पहुंचा सकते। हो सकता है कि नेपाल भूटान में कोई अर्थक्वेक आ गया और हमने वहां अपनी रिलीफ टीम भेजनी है, तो अगर रोड बढ़िया होंगे हम जल्दी से आर्मी लॉजिस्टिक भेज सकते हैं। तो दीज आर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स।
दूसरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन से, रॉ मटेरियल की जल्दी जल्दी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, मेन मटेरियल का इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो जाए, और फिर वो जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उन्हें आप कोस्टल एरिया तक पहुंचा दो और सागर मारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी मदद से उसका एक्सपोर्ट करो, तो आपकी वहां पर भी इकोनॉमिक आपको फायदे हो गए। तो भारतमाला का इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होगा, कौन देखेगा, रोड मिनिस्ट्री, और उसके जरिए बॉर्डर इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन खुद से वो बिल्ड करेगा, और दूसरे सामान्य इलाके मतलब गुजरात है तो वहां कच्छ वाली बॉर्डर पे BRO ऐसा देखे, और बाकी ये बड़ौदा अहमदाबाद से जो चले वहां सब जगह पे NHAI वो कॉन्ट्रैक्ट में वो दे देगा बीडर्स को, और बीडर्स को कैसे दिया जाएगा, BOT मॉडल्स हो सकते हैं, EPCN हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो NHAI को ठीक लगे यहाँ पर। सो ये कुछ बातें चल रही थी। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी क्या खामियां हैं और उसमें और क्या बढ़िया करना चाहिए, ये सारी बात L7 P1 से लेके P5 तक की पावर पॉइंट में हम आराम से चर्चा कर चुके हैं, तो वो आप घर पे देख लेना। PPP में अभी और बातें मैं नहीं करूंगा क्योंकि UPSC ने काफी सवाल पूछ लिए हैं, 2013 में पूछ लिए कि PPP के प्रो एंड कॉन क्या है, फिर 2014 में फिर पूछ लिया कि PPP के चलते अनसुटेबल ये लायबिलिटी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर चली जाती है, तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या प्रावधान करने चाहिए। एक सवाल इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो ऑब्जर्वेशन डाला गया उस हिसाब से अगर निकल सके, प्रॉब्लम ऑफ स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मार्केट फेलियर एंड रेगुलेटरी फेलियर। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा पर आ रहा है उसका कारण है कि मार्केट फेल कर गया है और रेगुलेटरी फेल कर गया। L7P1 में इसकी चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से रिविजन कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों काम का है, आबादी बढ़ती है, GDP को बढ़ाना है, देन यू नीड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो फिर भले आपके पास रॉ मटेरियल हो, भले आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, आप उसका मदद से बढ़िया GDP ग्रोथ नहीं ला पाओगे, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है, लेकिन उसमें बॉटल नेक आ गए। क्यों? वन रीजन वॉज मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर इस प्रकार से, ओवर लेवरेज कंपनी, ऐसी कंपनियां जिन जो कि अपनी औकात बाहर से, अपनी चादर से ज्यादा टांग पसार के उधारी में कहीं से पैसा लेके आए और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग कर दिया और उनको वो प्रोजेक्ट मिल भी गया लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए तो NPA का प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी ओवर लेवरेज कंपनी, ऐसी खडूस कंपनियों को मार्केट फोर्सेस ने तबाह कर देना चाहिए, लेकिन भारत में हम पाते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। वाई? क्योंकि मार्केट भी ये सोच के चलता है कि दिस कंपनीज आर टू बिग टू फेल, सरकार उनको रेस्क्यू कर देगी तो चलो उनकी मदद करते हैं, तो शेयर मार्केट में इनका कोई मतलब IPO आ जाए, कॉर्पोरेट बॉन्ड आ जाए तो उसे भी बढ़ चढ़ के लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड सो ऑन। देन देयर इज इंटरनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जयललिता की तबीयत अच्छी है या खराब है उस हिसाब से शेयर मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। बिहार में नीतीश जीतेंगे या मोदी जीतेंगे उस हिसाब से शेयर मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, बट भारत में वो जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंटरनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इनटू मार्केट इकोनॉमी। उसका कारण भी ये है कि ऐसे इलेक्शन के चलते सरकार अपनी नीतियां तय करती है या पेंडिंग रखती है कि FDI लाना है नहीं लाना है, पेंशन सेक्टर में ये रिफॉर्म करना है, लेबर में ये रिफॉर्म करना है, वो सोच के चलेंगे कि नया इलेक्शन कौन से आने वाला है उस हिसाब से। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज अ मार्केट फेलियर। और रेगुलेटरी फेलियर कैसे, कैसी खटूस कंपनियों को आपने बीडिंग में सिलेक्ट ही क्यों किया, और सिलेक्ट किया तो फिर वहां पर सर्विस क्वालिटी के प्रोविजन क्यों नहीं रखे। आगे चलते के हम पाते हैं कि एनवायरमेंट एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, 2G स्कैम, कोल स्कैम, उसके चलते पॉलिसी पैरालिसिस आ गया, IAS वर रिलक्टेंट टू क्लियर एनी न्यू फाइल्स, या फिर कि एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर भी वो कुछ सुधार नहीं करेंगे ताकि प्रोजेक्ट जल्दी से खत्म हो पाए। तो ये सारे इश्यूज थे जिसके चलते बॉटलनेक क्रिएट हुए। ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ किया नहीं, 3P इंडिया नाम की नई अथॉरिटी बना रहे, ई टोलिंग लेके आए, रेलवे में इनोवेशन लाने के लिए रतन टाटा की चेयरमैनशिप में कायाकल्प फाउंडेशन बनाया, राइट, कायाकल्प इनोवेशन काउंसिल बनाई गई, विवेक देबरॉय कमेटी बनाई गई रेलवे के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। सो दैट लीड्स टू न्यू टॉपिक। सर्वे में एक बात करी गई कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन द रेलवेज, तो रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उससे ढेर सारा मदद मिल सकती है मेक इन इंडिया को, इसकी चर्चा करो जल्दी से कर लेते हैं। रेलवे का क्या फायदा हो सकता है, रेल्वे के जरिए कोल, सील्स, सीमेंट, फूड, इन सबको आप जल्दी जल्दी पहुंचा सकते हो, राइट, कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, और सस्ते में पहुंचा सकते हो, और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा, कंजेशन कम होगा कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, और ये जो अच्छी अच्छी बातें होंगी इट विल लीड टू पॉजिटिव स्पिल ओवर इकोनॉमी में भी होगा क्योंकि मेन मटेरियल आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड फास्ट, ओके, एनवायरमेंट में भी मदद क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो गया, फिर इंटीग्रेशन भी होगा रेड कॉरिडोर के साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ, तो वो भी मजा उनका, और
अमेरिका और चाइना के एक्सपीरियंस से हम पाते हैं कि इस प्रकार के रेलवे में अगर ढेर सारा इन्वेस्ट किया जाए तो इकोनॉमी को वो बहुत अच्छी इम्पैक्ट देती है। तो सौभाग्य के रेलवे में कुछ करने की आवश्यकता है। विवेक देबरॉय कमेटी बनी, रेल रिस्ट्रक्चरिंग करना है। लंबी चौड़ी रिपोर्ट वो बना के गए, उसका बॉटम लाइन ये है कि रेलवे के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने हाल के प्रोजेक्ट खत्म कर पाए। इसलिए पॉपुलिस्ट पॉलिसी को कम करो, प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाओ। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ एंटायर रिपोर्ट। अब जल्दी से देख लेते हैं कि देबरॉय क्या बोल के गए। एक नई संस्था बनाई जाए, रेल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ये तय करेंगे, राइट, और फिर की फ्रेट, मतलब जो भी माल सामान को बेचना है उसके ऊपर नूर भाड़ा कितना होना चाहिए, ये भी ये लोग तय करेंगे। लेकिन वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेगा, और जो भी टेक्निकल डिस्प्यूट वगैरह होगी इसे ये लोग रिजोल्व करेंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग बजेटिंग। अगले 5 सालों में रेल बजट को खत्म कर दो और जनरल बजट के साथ उसे सम्मिलित कर दो। हम ये भी जानते हैं कि रेलवे के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या गरीब लोगों को सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, तो ये जो उनका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए कोई सब्सिडी का प्रावधान हो, बस उतना ही, अदरवाइज अलग से रेल बजट नहीं बनना चाहिए। और अकाउंटिंग में ये लोग कमर्शियल अकाउंटिंग से उन्होंने रिपोर्ट बनाना चाहिए, सो देट रेट ऑफ रिटर्न को हम एस्टिमेट कर पाए। प्राइवेटाइजेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल फ्रेट कॉरिडोर को अलग से कंपनी बना दो। लेकिन हाँ, ट्रिम डाउन करने की आवश्यकता है। एचआरएम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलवे की, मतलब पर्सोनल सर्विस, ऑडिट अकाउंट सर्विस, ट्रैफिक सर्विस, ऐसे अलग अलग नहीं होनी चाहिए। केवल दो टाइप की सर्विस होनी चाहिए, एक रेलवे टेक्निकल सर्विस एंड नॉन टेक्निकल सर्विस। उसी प्रकार ममता बनर्जी के समय में हम पाते थे कि बॉटलिंग प्लांट शुरू कर देंगे, हॉस्पिटल शुरू कर देंगे, टैगोर का म्यूजियम शुरू कर देंगे, राइट। तो दीज आर ऑल नॉन कोर एक्टिविटीज, जहां से आपका पैसा एक तो रिकवर नहीं हो पा रहा और आपका पूरा कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट हो जाएगा तो वो बराबर नहीं है। तो ऐसी नॉन कोर एक्टिविटी से बढ़ना चाहिए। देन आउटसोर्सिंग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, स्टेट पुलिसिंग को, पुलिस का काम आउटसोर्स कर दो। उसी प्रकार रेलवे के जो भी एम्प्लॉय है उनके बच्चों को पढ़ाने का काम आप केंद्रीय विद्यालय को आउटसोर्स कर दो। सो लाइक दैट यू कैन गो ऑन, और रेलवे में बढ़िया बातें हो सकती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ बड़े मुद्दों की हमने चर्चा करी। आगे बढ़ते हैं आईपीआर पॉलिसी। आईपीआर में क्या तकलीफ है, यूएसटीआर और ये संस्था हर साल स्पेशल 301 रिपोर्ट बनाती है। 301 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा उनके कानून का सेक्शन 301 है। यहां पर ये लोग देखते हैं कि विश्व में कौन से देश हमारी कंपनियों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कॉम्पिटिटिवनेस को नुकसान कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे देशों को फिर वो विभाजित करेंगे, जो एकदम खड्डूस देश होंगे उनको वो बना देंगे प्रायोरिटी कंट्रीज, जहां पर कि अमेरिकन कंपनियों के आईपीआर हितों की रक्षा नहीं हो रही है। और ऐसे देशों पे स्टिक अप्रोच, डंडेबाजी की जाएगी। कैसे, वहां से जो भी माल आएगा अमेरिका में उसके ऊपर वो बड़ा टैक्स कस्टम ड्यूटी डाल देंगे, या फिर उनको बैन कर देंगे, या WTO में जाके उनकी फरियाद करेंगे। तो एक तो इस प्रकार के देश होंगे। फिर ऐसे कुछ देश जहां पर कि अमेरिकी कंपनियों के आईपीआर की रक्षा नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर कैरेट अप्रोच अपनाएंगे, क्योंकि डंडेबाजी करने में समस्या रहेगी, चीन है, रशिया है, भारत है। यहां पर कि बायलेटरल ट्रॉक करेंगे, कन्फरेंसिंग ट्रीटी, हम आपके लिए कुछ करते हैं, चलिए आपका जो भी माल आएगा उस पर कस्टम ड्यूटी इतनी कम करते हैं, आप उसके सामने हमारे लिए ये कुछ कर दो। सो लाइक दैट, मतलब कैरेट अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। तो भारत का नाम यहां पर प्रायोरिटी वॉचलिस्ट कंट्री के अंदर है, 2014 में भी था और 15 में भी आ गया। तो अमेरिका को भारत की रिजीम से क्या तकलीफ है, चार तकलीफ है। पहली तकलीफ, सबसे ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता कहां पर है, चीन में, दूसरे नंबर पे भारत में, और भारत के अंदर 60% ऑफ द सॉफ्टवेयर आर पायरेटेड, तो स्वाभाविक है इनको मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर को भारत के अंदर पेटेंट नहीं मिलता, केवल कॉपीराइट मिलता है। फिर अगर कोई आदमी सिनेमा देखने जाए और वहां पर मूवी को अपने कैमकॉर्डर से रिकॉर्ड कर ले तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कोई कानून नहीं है। एंटी कैमकॉर्डिंग लॉ इज एब्सेंट, तो मतलब ये डिजिटल पायरेसी की समस्या। नेक्स्ट, फार्मा पायरेसी, कोई MNC को अपनी ड्रग भारत में अप्रूव करानी है, वो फाइल देगा सरकार को, लेकिन वहीं से देशी कंपनी वाले वो सारी इंफॉर्मेशन जुटा लेंगे कि इस प्रकार का ड्रग मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग होता है, और वही मॉलिक्यूल की वो फिर पेटेंट लगा देंगे और इनकी फाइल जल्दी से क्लियर, और वो आगे बढ़ जाएंगे और जेनेरिक ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा। कई बार हम लोग ये भी पाते हैं कि विदेश में किसी ड्रग मॉलिक्यूल का पेटेंट हो चुका है, लेकिन उसमें एक दो केमिकल बॉन्ड में कुछ फर्क करके भारत की कंपनी वाले यहाँ नया पेटेंट ले लेंगे, और अपनी सरकार के पास, अपने पेटेंट एजेंसी के पास इतना भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो क्रॉस चेक कर पाते कि वो तो पहले से हो गया है। तो मतलब एवरग्रीनिंग के नाम पे भारत वाले दूसरे का चुरा के उसमें सुधार करके ले लेते हैं, तो
उनके ऊपर कोई सजा नहीं कर रहा है, तो फार्मा पायरेसी का इश्यू है। नेक्स्ट प्राइस कंट्रोल, हम जानते हैं कि एसेंशियल ड्रग का प्राइस कंट्रोल करने के लिए नप्पा नाम की संस्था है जो 500 से अधिक दवाइयों के ऊपर प्राइस कंट्रोल करती है, लेकिन कुछ मेड इन इंडिया ड्रग्स को ये नप्पा वालों ने छूट दे रखी है कि भले वो 500 की लिस्ट में हो फिर भी उनको हायर प्राइस पे वो बेच सकते हैं। उसके सामने अगर एमएनसी कंपनी वाले आके जाए तो उनको वो बड़े प्राइस पे बेचने की अनुमति नहीं देते, उल्टा वहां पर तो ये पेटेंट के कानून लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 3D की, वहां पर एवरग्रीनिंग का मुद्दे के नाम पे आपके ऊपर रुकावट डाल दी, या फिर सेक्शन 84 वहां कंपलसरी लाइसेंस के नाम पे आपके कुछ रुकावट डाल दी। ये 3D और 84 क्या है प्रीलिम वाले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, मैं वापस इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये यूपीएससी में पूछ लिया दोनों सेक्शन। ओके, तो अमेरिका को ये तकलीफ है भारत से। इस अनुसंधान में और कौन कौन से सवाल निकले हैं GS3 में, कॉपीराइट पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट क्या है इनके ऊपर चर्चा करो, देन WTO का क्या मैंडेट है और भारत का फूड सिक्योरिटी पीस क्लॉज इसके ऊपर चर्चा हो रही है, देन WTO का ही एक मुद्दा चलता है इंफॉर्मेशन टेक्निकल या टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट ITA और उसकी भारत पे क्या असर, तो वो भी सवाल पूछे जा चुके हैं तो हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन WTO में ये IPR रिलेटेड एक मुद्दा नया चल रहा है, NVC, ये क्या है? हो सकता है कि कोई केस में WTO का कोई भी एग्रीमेंट वायोलेट ना हुआ हो, लेकिन फिर भी किसी देश को ये लगे कि मेरे हितों की रक्षा नहीं हुई, मुझे नुकसान हो गया, जैसा कि ये एवरग्रीनिंग या कंपलसरी लाइसेंस के नाम पे अमेरिका को लगता है, तो ऐसे केस में वो जाके WTO में फरियाद कर सकता है नॉन वायोलेशन कंप्लेन बोल के, NVC बोल के, कि भले एग्रीमेंट का कोई वायोलेशन नहीं हुआ लेकिन फिर भी हमको कोई नुकसान हुआ है, तो इस प्रकार की कंप्लेन को क्या बोलेंगे, NVC। इसका प्रावधान है जो WTO का गुड्स के ऊपर अग्रीमेंट है वहां पर ये लागू होता है, सर्विसेज के ऊपर अग्रीमेंट है वहां पर भी ये लागू होता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, वहां पर ये प्रावधान नहीं है और सबसे ज्यादा तकलीफ इनको वहीं पर हो रही है। देयरफॉर अमेरिकन एंड स्विस कंपनीज आर डिमांडिंग कि ये NVC चीज यहां पर भी लागू की जाए, अगर वो लागू की जाएगी तो भारत को नुकसान हो सकता है। अब आगे बढ़ते, यहां तक तो हमने वो देखा कि अमेरिका वाले हमारे खिलाफ जो एंटी पॉइंट्स बोल रहे हैं कि भारत का IPR सिस्टम बेकार है, हमको नुकसान हो रहा है, अब उसके डिफेंस में हमने अगर कोई मुद्दे लिखने हो तो क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा, भारत का पेटेंट एक्ट और IPR रिजीम वो दो सिद्धांतों के ऊपर टिका है। पहला सिद्धांत कि इनोवेटर के IP की हम रक्षा करेंगे, दूसरा सिद्धांत हम जनहित की रक्षा करेंगे। जनहित में दो चीजें आएंगी, एक तो कि हमारी ज्यादातर जनता गरीब है और वो केवल जेनेरिक ड्रग्स ही अफोर्ड कर पाती है, तो अगर आप ये सनोफी अवंती, रोज फार्मा, नोवार्टिस, फाइजर, एली लिली, इनकी एंटी कैंसर दवाइयों के पर यूनिट भाव देखो 60,000 से लेके 3,30,000 तक, तो हमारी गरीब जनता वो कैसे अफोर्ड करेगी, राइट? तो उसके चलते कंपलसरी लाइसेंस में अगर हम किसी भारतीय कंपनी को उसका जेनेरिक वर्जन मैन्युफैक्चरिंग करने की अनुमति दे दे तो कोई गलत नहीं कर रहे, बिकॉज हमारे IPR रिजीम के दो सिद्धांत हैं, आपका IP प्रोटेक्ट तो करना है लेकिन जनहित की भी हमने रक्षा तो करनी है। नेक्स्ट थिंग, हमने फार्मा सेक्टर में 100% FDI की अनुमति दे रखी है, लेकिन ये MNC वाले अब तक जो भी पैसा लगाया है थोड़ा बहुत, उसके चलते ना हमारे यहाँ रोजगार बढ़ा है, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ा है, ना रिसर्च डेवलपमेंट में फंडिंग में पैसा बढ़ा है, ऐसा पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन कॉमर्स ने ऑब्जर्व किया। मतलब कि हम आपके ये 30,000 का डोज क्यों अप्रूव होने दें या चालू रखने दें, जबकि आप लोग भारत में पैसा डाल नहीं रहे हो, हमें कोई रोजगार में या R&D में फायदा उसका मिल नहीं रहा है। फिर भी छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन, उसके IPR की हम रक्षा करते हैं, ट्रेडमार्क की रक्षा करते हैं, अगर वो आके हमको कंप्लेन करे तो हम जाके रेड मारते हैं, चाहे वो डिजिटल पायरेसी हो या फार्मा पायरेसी हो। और हमारा IPR फ्रेमवर्क इट इज वेरी रोबस्ट, वैश्विक रूप पे हमने WTO का ये ट्रिप्स अग्रीमेंट साइन भी किया है, रेटिफाई भी किया है, उसको हम लागू भी करते हैं। उसी प्रकार WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक माराकेश ट्रीटी है कि अंधजनों को कॉपीराइटेड मटेरियल आसानी से मिल पाए, तो उसको हमने रेटिफाई कर दिया है, उसमें भी हम पूरा काम कर रहे हैं। हमारे कॉमर्स मंत्रालय के अंदर ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन वो ट्रेडमार्क, पेटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इन सब का काम देखते हैं। HRD मिनिस्ट्री कॉपीराइट एक्ट लागू करता है, राइट? उसी प्रकार IT, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, CSIR, ये सभी लोग कोई ना कोई IPR रिलेटेड एक्ट को लागू कर ही रहे हैं और ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। तो USA का ये मानना कि फ्रेमवर्क वीक है, ये बात गलत है। लेकिन हाँ, इसमें और सुधार की आवश्यकता है और वो आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई, जस्टिस प्रभा
श्रीदेवन के चेयरमैनशिप में, और वो उसकी क्या टाइमलाइन है मैं पढ़ूंगा नहीं, घर पे देख लेना। हम सीधे आते हैं कि उसकी क्या सेलियंट फीचर है, नहीं ये ड्राफ्ट आईपीआर पॉलिसी के सेलियंट फीचर। सबसे बड़ा मुद्दा है यूटिलिटी मॉडल। यूटिलिटी मॉडल क्या है? ये एक साइडकार है और इस साइडकार का पेटेंट हो चुका है अमेरिका में या किसी भी विदेशी देश में। अब ये साइडकार ऐसी है, इसकी मेरे को यूटिलिटी बढ़ानी है कि ये मतलब कि मुझे बहुत धूप लग रही है तो कोई उसके ऊपर ऐसा रूफ होना चाहिए, अंदर एसी की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से मेरी स्किन खराब ना हो जाए इसलिए इसका सनग्लास का पूरा ऐसा फिल्म लगानी चाहिए। फिर यहाँ रात को चला रहे तो ज्यादा हेडलाइट और सिग्नल की भी आवश्यकता होनी चाहिए, राइट? तो मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसी अमेरिकन ने इसका साइडकार का पेटेंट तो कर दिया, लेकिन भारतीय परिस्थिति के अनुकूल इस साइडकार को बनाने के लिए मैंने इसमें यूटिलिटी जोड़ दी। कौन सी? ये रूफटॉप लगा दिया, कांच लगा दिया, हेडलाइट लगा दी, एसी चार्जर, ब्लूटूथ, वाईफाई, जो भी लगा। सो व्हाट आर दीज थिंग्स? दे आर नॉट पेटेंट, दीज आर यूटिलिटीज। तो व्याख्यात करते हैं, यूटिलिटी पेटेंट इज एन इनोवेशन दैट इंक्रीजेज द यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। यहां हमने देख लिया, प्रोडक्ट तो पहले से ही है, हम उसकी यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये नॉवेल आइडिया है, हाँ है, लेकिन हम इसे इन्वेंटिव आइडिया या नॉन ऑब्वियस आइडिया नहीं बोल सकते। एक मोटरसाइकिल है, उसके बाजू में साइडकार होनी चाहिए। वो जब विश्व युद्ध के पहले से ये तो सोचा था, तब वो एक इन्वेंटिव आइडिया था, लेकिन अब उस पर धूप लगे और मैं छत लगा दूं तो इट इज एन ऑब्वियस थिंग। ओके, वो नॉन ऑब्वियस नहीं बोल सकता मैं उसे, देयरफॉर ये पेटेंट नहीं बोल सकते इसको। लेकिन हाँ, इसका भी कोई यूटिलिटी के नाम पे छोटा पेटेंट तो होना चाहिए। भारत के अंदर इसको रेकॉग्नाइज करने के लिए कोई प्रावधान नहीं, लेकिन अन्य देशों में है। वहां पर उसे यूटिलिटी पेटेंट बोल के या फिर पैटी पेटेंट बोल के 6 साल 15 साल की ड्यूरेशन में पेटेंट दिया जाता है। मतलब ओरिजिनल इन्वेंटिव आइडिया हो तो उसे 20 साल का पेटेंट मिलेगा, और मैं ऐसा छत बना के कुछ कर दूं तो वो मेरा पैटी पेटेंट है, दूसरे आदमी को मिलेगा 6 सालों के लिए ऐसा कुछ। सो दिस इज द थिंग। जस्टिस श्रीदेवन ने अपनी जो ड्राफ्ट आईपीआर पॉलिसी बनाई, वहां पर कहा कि भारत के अंदर भी एक कानून बनाया जाए जिसके अंतर्गत ऐसे यूटिलिटी मॉडल पेटी पेटेंट अलॉट करने के प्रावधान होने चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो भारत के एमएसएमई सेक्टर को, ग्रास रूट इनोवेटर को प्रोत्साहन मिल सकता है। सो दीज आर गुड थिंग्स। क्या है अब उसके नुकसान? या केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज तकलीफ हो सकती है। एक तो मोनोपोली, मान लो कि मैं कसम खा लूं वाईफाई हॉटस्पॉट जिंदाबाद, तो बाजार में जो भी नई चीज आए, साइडकार हो, साइकिल हो, हाटलारी हो, रिक्शा हो, छकड़ा हो, जो भी, हर एक में मैं वाईफाई फिट करा के वो मेरा पेटी पैटर्न में लगा दूं कि दिस इज द यूटिलिटी मॉडल, और मेरे को अब आप जो भी खरीदो 6 सालों तक 10-10 रुपए देते रहना, वॉट एवर। सो इट मे लीड टू मोनोपोली इन सम सेक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्या है, एक प्रकार की छिछोरपंथी टाइप के इनोवेशन, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ इनोवेशन को प्रोत्साहन देगा। तो देयरफॉर वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस वन। ठीक है, अब तो सबसे बड़ा मुद्दा था जीएसटी में आईपीआर रिलेटेड क्या यूटिलिटी मॉडल। अब आईपीआर पॉलिसी को रिफाइन करना है तो श्रीदेवन ने अपने रिपोर्ट में जो भी बोला वो मुद्दे याद रखे जाएंगे। नई आईपीआर पॉलिसी में क्या होना चाहिए? सबसे पहले की अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए जनता का। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ग्रास रूट इनोवेटर्स, किसान है, ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर है, जो गांव के अपने जो वैद्य होते हैं जिनको पता होता है कि ये वाली औषधि से ये लाभ होते हैं, तो ऐसे लोगों को आईपीआर के बारे में ज्ञान देना चाहिए। कैसे दे सकते हैं? नुक्कड़ नाटक करो, ऑडियो वीडियो, प्रिंट, सोशल मीडिया, जो भी आपको ठीक लगे। फिर आईपीआर को सेलिब्रेट करना चाहिए। एज सच हम 2010 से लेकर 20 को इस पूरी डेकेड को डेकेड ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड आईपी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सब काम करना चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को लगा देना चाहिए, राइट? देन चेरिश द इनोवेटर्स, स्पेशली ग्रास रूट इनोवेटर हो, वो महिला हो, पुरुष हो, उनको कोई आप मेडल दीजिए, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के उनको हाईलाइट कीजिए उनके कामों को, राइट? क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, ऐसा कोई स्लोगन एडॉप्ट कीजिए, स्कूल में बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, एंड सो ऑन। देन अवेयरनेस के नाम पे प्रोत्साहन तो देना है और धमकी भी देनी है, खास करके युवाओं को, कि वो पायरेटेड प्रोडक्ट यूज ना करें, अदरवाइज आपके ऊपर ये हानि हो सकती है। ठीक है, सबको आपने अवेयर कर दिया, नुकसानों के बारे में जानकारी दे दी। फिर एचआरएम को मजबूत करो, जुडिशरी में एडवोकेट्स को, लॉयर्स को, सबको आप आईपीआर रिलेटेड तालीम दो, पुलिस को, कस्टम, फॉरेस्ट सर्विसेज को, इनको भी आप आईपीआर रिलेटेड तालीम दो। प्राइवेट सेक्टर में एनआईडी सेफ्ट, अपनी एनआईएफटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एमबीए, इन सब में जो भी पढ़ रहे हैं बच्चों को भी आईपीआर की तालीम दो आप। फिर कोई नई कॉलेज खुल रही है, कोई ऑलरेडी कॉलेज है, उसका एक्रीडेशन करना है,
उस वक्त अगर वो ऐसे आईपीआर के तालीम वर्ग चला रहे तो उनको ज्यादा मार्क्स दिए जाए, मतलब वो क्राइटेरिया में, ग्रेडिंग में ये प्लस प्लस और वो सब ऐसे कोई प्रावधान हो। फिर हो सकता है कि कुछ लोग, उन्हें आईपीआर की तालीम तो लेनी है लेकिन वो यहाँ पर कॉलेज में नहीं जा पा रहे, तो वहां पर डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान होने चाहिए। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, इग्नू ई ज्ञान कोर्स, एनआईओएस, ये सारे मुद्दे आप लिख सकते हैं। तो एचआरएम पे कुछ काम करो देन। ओके, सबको आईपीआर के लिए अवेयर कर दिया, सबको आपने तालीम भी दे दी, लेकिन कुछ खड्डूस लोग होंगे जो कि दूसरे का आईपीआर को उसको सामने नुकसान करेंगे, तो मतलब देयर विल बी लिटिगेशन, लिटिगेशन होगा तो जल्दी जल्दी उसे समाप्त कराना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे आप, स्पीडी एडजुडिकेशन के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, वहां पर नई पेटेंट बेंच खोली जाएगी और वहां वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा होगी, तो आप अपने जिले में से वहां पर अपने मतलब पैरवी कर सकते हो। देन अहमदाबाद, बॉम्बे, हर एक जगह पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड बनाए जाए। ओके, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जैसे बैंगलोर है या अहमदाबाद, वहां पर आईपी रिलेटेड लिटिगेशन ज्यादा हो तो ऐसी जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक आईपी कोर्ट बनाई जाए, और कोर्ट में तो आदमी चला जाए लेकिन फिर उसे एहसास हो कि भाई ये तो तारीख पे तारीख हो रही है, आपस में बाहर ही आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना है, उसके लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होनी चाहिए। ठीक, अब ये सब कुछ लागू करने के लिए कोई बॉडी चाहिए, उसे स्ट्रेंथन करना है, तो इनोवेशन के लिए एक नेशनल इनोवेशन काउंसिल तो है जिसके चेयरमैन थे साम पित्रोड़ा, लेकिन वो जवाहरलाल मतलब ये राजीव गांधी और यूपीए के साथ एसोसिएटेड थे, तो मोदी सरकार आई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसकी जगह मतलब उसे वापस पुनर्जीवित करने के लिए किसी नए आदमी को आप बिठाइए। स्टेट इनोवेशन काउंसिल हर एक राज्य में नहीं है, उसे आप बनाइए। फिर केवल इनोवेशन कर देना पर्याप्त नहीं है, उसे प्रमोट करना, कमर्शियलाइज करना भी उतना ही जरूरी है, तो उसके लिए आप नया काउंसिल बनाइए। कई बार अपने ग्रास रूट इनोवेटर, एमएसएमई इंडस्ट्री नया कुछ लेके आते हैं लेकिन उनके पास उतना पर्याप्त समय, ज्ञान और पैसा नहीं होता कि वो उसका पेटेंट करा सके, तो ऐसे लोगों को आप पेटेंट की फी, एप्लीकेशन फी या जो भी लॉयर वगैरह रखना है वहां पर कुछ मदद करे सरकार, उस प्रकार के कुछ स्कीम चलाएं। और इन्फोर्समेंट करने के लिए एक मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स बनाया जाए, पुलिस भी हो, रेवेन्यू ऑफिशियल, कस्टम, ये सब कुछ साथ में मिलके अच्छा काम कर सके। सो दैट कंक्लूड्स अवर डिस्कशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बात करनी थी, आईपीआर रिलेटेड थोड़ी बातें करनी थी, वो खत्म। एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद चाइना स्टॉक क्रैश और ऐसी बातें करेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमी।
आई अच्छी है वहां से। आगे बच के आए मुझे तो सर हुए तो मुझे वो आए जाना चाहिए मुझे तो आगे फिर मैं जो मैंने पहला पहला एस बी एम आने कुछ जो करते हैं एस बी एम बी यू मैंने स्टार्ट कर ही दी तुझे सर सर पाँच दस कर लेता हूँ मतलब अभी क्रिप्टिंग जो पे थोड़ा छोड़ा है ना सर ઘણી આગળ પડી જાય મેં તો સિલેક્ટેડ જ મોડું કરીને ઉઠતા હોય બાકી થોકવાડ બી આવે એટલે એ સિલેક્ટેડ તૈયાર કરે બાકી અમુક મુદ્દા છે તો સર્વે ને બજેટ ને એમ કહીને આપણે કવર કરેલા જ છે એ રીતે અહીંયા બધા આપણે આજે 2 થી 4:30 યુપીએસસી ટોપર ધરમવીરસિંહ જાડેજાનું છે નિબંધ લેખન અને જીએસ માટે ઓકે તો તમામથી જે લોકો મીન્સમાં હોય પેલા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મેસેજ મોકલી દેજો મારું ઇન્ટરનેટ કામ નહીં આવું મને પેલા સત્યરાજે મેસેજ કર્યો કે તમે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં પ્લીઝ મૂકી દો મારું કામ નહીં તમે છો ને ટેલિગ્રામમાં મૂકી દેજો ને નાક ઉપર જ માખી બેસી शुरू करते हैं चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी और चाइनीज इकोनॉमी और उसकी भारत के ऊपर असर दो मुद्दे देखने हैं युआन का आईएमएफ के एसडीआर के अंदर रिजर्व करेंसी के रूप में शामिल होना और दूसरा चाइना के स्टॉक मार्केट का क्रैश होना और इसकी भारत के ऊपर क्या असर या विश्व इकोनॉमी के ऊपर क्या असर सबसे पहले तो ये चाइना अपना युआन अंडर वैल्यूड कैसे रखता है L6P3 पावर पॉइंट में आप खुद से देख लेना दूसरा ये IMF और उसकी SDR रिजिम क्या है राइट और उसमें ये चार रिजर्व करेंसियां हैं येन पाउंड यूरो और डॉलर तो ये SDR कैसे काम करता है वो L3P4 पावर पॉइंट में आप देख लेना अब ये चार करेंसियां येन पाउंड यूरो एंड डॉलर इधर अगर कोई पांचवा खिलाड़ी आ जाए दैट इज युआन अगर ऐसा हो जाए मतलब कि युआन IMF की एक SDR रिजर्व करेंसी बन जाए तो उससे चाइना को क्या फायदा होगा चाइना को क्या फायदा होगा देखते हैं क्लिक करके किसी भी देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या होता है अलग अलग फॉरेन करेंसियां होती है गोल्ड होता है IMF के रिवर्स ट्रांस पोजिशन होते रहे सो अगर SDR करेंसी बन गया युआन तो स्वाभाविक है अलग अलग देश अपने फॉरेक्स रिजर्व में युआन को भी रखना शुरू कर देंगे उसके चलते युआन की विश्व के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी एज अ ग्लोबल करेंसी जैसा अपना येन है या डॉलर है या यूरो है तो उसके चलते फायदा जब चीन कोई चीज इंपोर्ट करेगा चाहे वो ऑयल हो मेटल कमोडिटी हो एल्यूमिनियम कॉपर फूड राइट तो वो सीधा मतलब कि विदेशी ट्रेडर को बोल सकता है कि हम आपको युआन के अंदर पेमेंट करेंगे और ट्रेडर राजी भी हो जाएगा क्योंकि नाउ चाइना की ये युआन धीरे धीरे ग्लोबल करेंसी बन रहा है सेम वे जब उस ट्रेडर ने यहां से कुछ मंगाना हो तो अगेन वो युआन के अंदर डील करेंगे सो ये तो पॉजिटिव पॉइंट चाइना के लिए हो गया भारत के लिए नेगेटिव कैसे हो सकता है चीन वाले फोर्स करें भारतीयों को
भारतीय ट्रेडर्स को, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को, कि जब भी आपने चाइना के साथ कोई माल सामान का लेन देन करना हो केवल युआन के अंदर ही आपने ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अब ऐसा करने से डॉलर डिपेंडेंस अपना कम हुआ, तो मतलब डॉलर में अगर कोई वॉलेटिलिटी आ जाए सीरियन वॉर के चलते तो उससे हम लोग बच गए, लेकिन चाइना के युआन और इंडियन रूपये के बीच में कोई वॉलेटिलिटी आ गए देन वी बिकम वल्नरेबल, हमको वो नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट, क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी धीरे धीरे बनती जाएगी तो चाइना की कंपनियां आउटवर्ड एक्सपांशन कर पाएंगी, अपस्ट्रीम एक्सपांशन कर पाएंगी। मुकेश अंबानी की रिफाइनरी है राइट, तो वो क्या करेगी, पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल को रिफाइन करेगी। अब मुकेश अंबानी यूए में जाके अपना तेल का कुआ खरीद ले तो वो क्या कर रहे हैं, सप्लाई लाइन में अपस्ट्रीम एक्सपांशन कर रहे हैं, आउटवर्ड एक्सपांशन कर रहे हैं। उसी प्रकार से चीन वाले भी करेंगे, वो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज एलएसी में जाके माइनिंग राइट्स खरीद लें, वहां पर ये कॉफी के प्लांटेशन खरीद लें, शुगर प्लांटेशन मतलब शुगर केन प्लांटेशन खरीद लें राइट, वो अब करना उनके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने युआन को डॉलर में तब्दील कराया और वो डॉलर लेके जाके कुछ खरीदना है निवेश करना है नहीं, वो सीधा जाके अपना युआन दे दें और उनका आपस में हो जाए। सो लेटिन अमेरिका एक प्रकार से क्या है, ड्रग इकोनॉमी है, नार्कोटिक ड्रग्स बनते हैं और जो भी ड्रग इकोनॉमी होगी वो अपने आप डॉलर इकोनॉमी होगी क्योंकि वो सामान तो अमेरिका जाने वाला है। सो वहां पर अब धीरे धीरे वो जो डॉलर जोन था उसे आप धीरे धीरे युआन जोन में तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाना वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये पूरा ये भी लॉलेस एरिया ही है तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की ब्लड डायमंड इकोनॉमी है और डायमंड इकोनॉमी है तो वो अगेन वो भी डॉलर इकोनॉमी होगी, वहां पर यूएन का मतलब युआन का इस प्रकार से दबदबा बने, वहां पर भी इस प्रकार से जो भी प्लांटेशन माइनिंग राइट्स क्रूड ऑयल के रिजर्व खरीदने हैं वहां यूएन की मदद से आप खरीद दे जाओ तो उस डॉलर जोन को आप बना रहे हो युआन जोन। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों का दबदबा वहां पर पेनिट्रेशन बनता रहेगा। सो हाउ विल इट अफेक्ट इंडियन इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट अफेक्ट करेगा ही, हम वहां पर एक्सपांशन करने जाएंगे हमें ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। देन चीन शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है, ब्रिक्स का अपना बैंक है राइट, यहां हर एक जगह पे चाइना की दबदबा है और अपने ये युआन के पैसा वो वहां पर लगा के जो भी एशिया के अंदर ये छोटे छोटे देश है अफगानिस्तान और कंबोडिया वहां उनको वो पैसा दिला दे कि आपको हम थर्मल पावर प्लांट डैम इरिगेशन मेट्रो ट्रेल डालने के लिए ये लोग युआन, तो वहां पर भी वो डॉलर जोन की बजाय युआन जोन शुरू करेंगे और वो जो भी प्रोजेक्ट दिया हो सकता है वो सीक्रेट कंडीशन रखें कि मेट्रो ट्रेन डालने के लिए हम लोन में पैसा तो देंगे ब्याज कम रखेंगे लेकिन शर्त होगी कि उसके लिए स्टील का ये मशीन हमसे खरीदना होगा, कंसल्टेंट इंजीनियर हमारे रखने होंगे एंड सो ऑन। तो वहां पर भी वो अपना एक्सपोर्ट इस प्रकार से प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ाता जाएगा। तो इंडियन हितों की नुकसान कैसे होगा, हमको उतना ज्यादा स्पर्धा देखने को मिलेगी। सो लाइक दैट चाइना अगर एसडीआर करेंसी बनेगा तो भारत के हितों पर इस प्रकार से प्रभाव वो डालेगा एंड एज सच चाइना को जो भी फायदा करेगा वो सारी चीज भारत के लिए नुकसान करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कोई भी देश की करेंसी अगर एसडीआर रिजर्व करेंसी बन जाए तो उनको ये सारे सारे फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये इंडियन आइडल और अमेरिकन आइडल की तरह कोई भी ओंगा पोंगा चल के आ जाए और उसे रिजर्व करेंसी बना देंगे ना, यहां पर भी ऑडिशन रिव्यू होता है आईएमएफ के जरिए, दो शर्तों को पालन करना होना चाहिए। फर्स्ट, आपकी करेंसी इट शुड बी वाइडली यूज करेंसी, तो चीन के लिए हाँ ये तो है क्यों, चाइना इज अ मेजर एक्सपोर्टर तो हाँ करेंसी तो उसकी आपको यूज होने को मिलती है। नेक्स्ट, इट शुड बी फ्रीली यूजेबल, ये जरा ट्रिकी चीज है, हमने वो देखा था करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि मन चाहे किसी के पास डॉलर हो तो मन चाहे आके वो उसको रूपी में तब्दील करा दे और डॉलर में वापस तब्दील करा दे, नहीं, अलग अलग फीमा के फिर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के नाम पे कुछ क्राइटेरिया है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के नॉर्म्स है राइट, सेम वे चीन के अंदर भी इस प्रकार के नॉर्म्स तो है लेकिन उसे धीरे धीरे आपने रिलैक्स करना होगा, ऐसा नहीं कि फुल्ली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी दे दो ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन इट शुड बी फ्रीली यूजेबल एंड कन्वर्टेबल, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये दो शर्तों का पालन करो तो फिर आईएमएफ उसे रिव्यू करे और फिर ठीक लगे तो हम आपको अपनी गैंग में शामिल कर लेंगे, दैट इज द थिंग। तो स्वाभाविक है युआन के अंदर इस प्रकार से चीन को क्योंकि लाभ लेना है वो सारी चीजों का तो उन्होंने धीरे धीरे लिबरलाइज करना शुरू किया अपने एक्सचेंज रेट को। हम पाते हैं कि 2005 के पहले देयर वाज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वो खुद से तय कर ले
और वो आंकड़ा बोल देगी कि $1 की कीमत होगी 8.2 yuan, बस इसी दाम पे उसका ट्रेडिंग किया जाएगा। सो दैट वॉज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम। फिर धीरे धीरे उन्होंने रिलैक्सेशन शुरू किया 2005 से 15 तक। क्या पीबीसी ऐसा फिक्स नहीं बोलेगी, वो एक मिड पॉइंट सेट करेंगे डिपेंडिंग कि अभी एक्सचेंज रेट में क्या क्या उथल पुथल चल रही है। मिड पॉइंट सेट कर लिया लेट अस से अप्रोक्सीमेटली कि $6 सेट, मतलब $1 के सामने 6 yuan मिले, ऐसा मिड पॉइंट सेट किया। अब ये भी स्टिक नहीं रखा, ±2% की छूट है, मतलब उससे ऊपर या नीचे 2% तक अगर युआन का ट्रेडिंग हो रहा होगा तो पीबीसी विल नॉट इंटरवीन। उससे अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन आए तो पीबीसी विल इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब क्या होगा, वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर बेचना शुरू करे या कुछ खरीदना शुरू करे, राइट, लाइक दैट दे विल ट्राई टू गेट इट कंट्रोल्ड विद इन दिस मिड पॉइंट। तो ये चलते रहे। उससे आगे 2015 में और थोड़ा रिलैक्स किया। देखिए यहां पर मिड पॉइंट ऐसे सेट करते थे कि पीबीसी के इकोनॉमिस्ट बैठ के देखेंगे क्या चल पल हो रही है और वो आंकड़ा तय करें। अब 2015 अगस्त तक आकर उन्होंने बोला कि मिड पॉइंट वो होगा यस्टरडे जिस दाम पे युआन का ट्रेडिंग बंद हुआ, दैट विल बी द मिड पॉइंट फॉर टूडे, और आज जिस दाम पे बंद होगा वो कल का मिड पॉइंट बनेगा, एंड सो ऑन। सो क्लोजिंग ट्रेड ऑफ द प्रीवियस ट्रेड दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ टूडे। तो इसका फायदा क्या है, अब पीबीसी वाले खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो केवल इस प्रकार से मार्केट फोर्सेस तय करें। मतलब जो शर्त थी आईएमएफ ऑडिशन देने की कि वो फ्रीली यूजेबल फ्रीली कन्वर्टेबल होना चाहिए, वो अब धीरे धीरे शर्त पूरी होना शुरू हो जाए। अब स्वाभाविक है इस प्रकार से अगर पीबीसी मिड पॉइंट सेट करेगा तो वो धीरे धीरे नीचे आना जो शुरू हो गया उसे अब बोल रहे हैं कि डिवैल्यूएशन हो गया। ग्राफ से हम समझते हैं, अगस्त के अंदर ये काम शुरू हुआ, 3 अगस्त से लेके आप अगर 31 अगस्त तक का ग्राफ देखो, ये अपना मिड पॉइंट है ब्लैक कलर, $6.1 की कीमत थी 6.1 yuan। ओके, मिड पॉइंट मतलब पिछले दिन जो ट्रेडिंग हुआ उस हिसाब से करते जाओ तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो नीचे गिरना शुरू हुआ। मतलब $1 अब बिकेगा 6.5 yuan में, तो मतलब डॉलर मजबूत हुआ युआन कमजोर हुआ। ये ग्राफ ऊपर जाता तो हम बोलते कि युआन स्ट्रांग हुआ, नीचे जाएगा मतलब युआन कमजोर हुआ। सो दिस इज टर्म्ड एज मिड पॉइंट एडजस्टमेंट, या फिर कि युआन का इस प्रकार से डिवेल्युएशन हो गया, एंड सो ऑन। ठीक, अब तो जो आईएमएफ की शर्तें थी उनका इस प्रकार से धीरे धीरे पालन शुरू हुआ। तो आईएमएफ ने अब राजी होके 30 नवंबर 2015 को बोला कि ठीक है, बराबर है, हम आपको अपनी इस रिजर्व करेंसी गेम में शामिल करेंगे। तो ये चीज लागू होगी 2016 के 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर चाइना का जन्मदिन भी है, नेशनल डे। अब तक सिस्टम क्या था, 4 करेंसी थी, ओके, डॉलर, यूरो, येन और पाउंड, इनका इस प्रकार से वेट था एसडीआर बास्केट में और 100% वेट हो जाएगा। अब 2016 के 1 अक्टूबर से क्या हुआ, एक और नई करेंसी चाइनीज युआन रेनमिन भी शामिल हो गए। तो मतलब अब एसडीआर के अंदर सबसे ज्यादा वेट है डॉलर का, उससे थोड़ा कम यूरो का, फिर ये आरएमबी का, देन येन और पाउंड, और कुल मिला के हो जाएगा 100%। सो दिस इज वन थिंग। अब वैसे तो ये आईएमएफ वालों ने 30 नवंबर को, आपने ये न्यूज में देखा होगा, या 1 दिसंबर को, लेकिन ये पूरी चर्चा और रिफॉर्म्स तो चल रहे थे अगस्त और उससे पहले से ही। तो ओके कि मतलब मेंस का पेपर तो सेट हो ही गया होगा, बट ऐसा नहीं है कि नवंबर के बाद का ये मुद्दा है तो नहीं पूछेंगे, वो पहले से चल रहा था, हो सकता है परेशान कर ले। तो एक आईएमएफ के अंदर करेंसी बास्केट के अंदर जो रिफॉर्म लेना था तो एक रिफॉर्म ये लिया गया। नेक्स्ट आईएमएफ कोटा के अंदर कुछ रिफॉर्म होना चाहिए, तो L3P4 के अंदर आप वो पावर पॉइंट में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सो मे बी सीधे रूप से अगर ना पूछे तो इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं आईएमएफ के अंदर ये करेंसी रिफॉर्म में क्या हो सकता है। स्पेक्यूलेटिव सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि यदि भारत की इंडियन रूपी को इस बास्केट में शामिल कर ले तो भारत को क्या फायदे हो सकते हैं। वही जो हमने युआन में समझ लिए कि सभी देश उसे यूज करें, हम इंपोर्ट में कोर्स कर सके, राइट, वाना एंड लेटिंग अमेरिका में हम जा सके, और फिर इन्हीं सब SEOIB वगैरह की मदद से हम किसी को खैरात में पैसा दे, हमारा दबदबा बने, सो ऑन, वही मुद्दे हम यूज कर सकते हैं। अब आगे बात, चाइनीज मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी का विश्व इकोनॉमी और भारत के ऊपर क्या असर पड़ा, स्पेशली इन दिस 2015 पीरियड। हम पाते हैं कि जब आंकड़े बाहर आए, चाइना का GDP ग्रोथ लेस देन 7% पाया गया फॉर द, मतलब 2015 में जो नए आंकड़े आए, तो ये पिछले 6 सालों में सबसे कम है। स्वाभाविक है चीन टेंशन में आ जाएगा, और वापस GDP को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, युआन की लिक्विडिटी बढ़ाओ,
सस्ते में युआन नीचे मिल जाए, बिजनेसमैन उसे बोरो करे और फिर बिजनेस का एक्सपांशन हो, जनता लोन ले कुछ चीजें खरीदना शुरू करे, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या सुधार करना चाहिए, डियर मनी पॉलिसी होनी चाहिए या चीप मनी पॉलिसी होनी चाहिए, चीप मनी पॉलिसी, राइट। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपना, जैसे भारत में रेपो रेट है उनका लेंडिंग रेट है, भारत के अंदर कैश रिजर्व रेशियो है उनका है रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो, तो इनको उन्होंने नीचे कर दिया, राइट। और एट द सेम टाइम युआन का भी मिड पॉइंट डिवेल्यूएशन हो रहा था, हमने देखा 2015 अगस्त में, तो स्वाभाविक है युआन की लिक्विडिटी बढ़ेगी डॉलर के सामने, वो मतलब ये कमजोर हो जाएगा और डॉलर मजबूत हो जाएगा। मजबूत कमजोर में आप समझो, जो चीज विपुल मात्रा में होती है उसकी वैल्यू कम होने लगती है, तो उसके सामने जो खड़ा है उसकी मजबूती बढ़ती जाएगी, ओके। तो स्ट्रांग डॉलर उसका मतलब क्या है, वीक युआन हो गया तो चीन के एक्सपोर्टर्स को मजा है क्योंकि अमेरिकन अब उससे ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, उन्हें ज्यादा सस्ता लगेगा। सेकंड थिंग, उसके जरिए हमको उल्टा भी सच है कि चाइना अगर कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करना शुरू करे तो उनको महंगी लगेगी बिकॉज डॉलर इज एक्सपेंसिव, लेकिन वो भी उसे पॉजिटिव रूप में देखते हैं कि महंगा अगर इंपोर्टेड आइटम हो, कोई घड़ी महंगी होगी तो चाइनीज आदमी ये सोचेगा कि मैं चाइना का ही माल ले लेता हूं, सो इट विल गिव डोमेस्टिक, इट विल गिव अ बूस्ट टू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मेक इन चाइना को वो और प्रमोट करेंगे। और फ्यूचर में तो आप समझिए कि जब ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी बन जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा ही युआन के अंदर ट्रेडिंग करेंगे, तो फिर डॉलर में तब्दील ही कब कराना है, सीधा युआन के अंदर ही करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते, तब ये टेंशन आने वाला नहीं था। ठीक, आगे बात, युआन में क्या हुआ, इट हैज बिकम चीपर एंड मोर लिक्विड, चीपर किस अनुसंधान में, दूसरे एक्सचेंज रेट के अनुसंधान में, और लिक्विड किस हिसाब से, मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से। तो स्वाभाविक है इसका भारत के अंदर भी प्रकोप दिखेगा कि वहां से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी टॉयस एंड अदर आइटम्स आ रही है वो पहले से ज्यादा आएंगी, चाइनीज गुड्स, स्टील, ह्यूआई स्मार्टफोन्स या लिनोवो लैपटॉप्स। इसके चलते भारत का अभी जो ट्रेड डेफिसिट है उसका 25% तो चीन के बदौलत है, अब वो और बढ़ जाएगा, तो हमको ये नुकसान करने वाला है। नेक्स्ट, युआन क्योंकि सस्ता हो गया, डॉलर क्योंकि स्ट्रांग हो गया, तो स्वाभाविक है यहां से एक्सपोर्ट बढ़ेंगी चाइना से। अब क्या उसके सामने इंडिया के अंदर के एक्सपोर्ट मार्केट में क्या होगा, आप देखिए टॉम क्रूज के पास दो ऑप्शन है, वो चीन से लैपटॉप मंगाता या भारत से लैपटॉप मंगाता, लेकिन चीन में क्योंकि युआन और कमजोर हो गया और लिक्विडिटी उसकी बढ़ गई तो चीन से मंगाना उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है, पहली बात। दूसरा, अगस्त के अंदर चीन का स्टॉक मार्केट खड्डे में चला गया, तो उसका प्रयोजन यह हुआ कि FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो चीन से भी भागने लगे, भारत से और दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी से भागने लगे। हम पाते हैं कि अगस्त 2015 में 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए लेके ये FII वाले भारत से निकल गए। अब स्वाभाविक है ऐसी परिस्थितियों में भारत से एक्सपोर्ट तो वैसे ही कमजोर होने वाला है क्योंकि चीन वाले अपना सस्ता माल वहां पे दबाएंगे, तो भारत की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी कंपनियां हैं वहां पर विदेशी निवेश आने से रहा, एक मुद्दा। दूसरा, भारत की ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नाम पे बाहर अगर पैसा उधारी में लेने जाए तो भी मुश्किल आएगी, क्योंकि ये अगर निवेशक है टॉम क्रूज तो वो सोचेगा कि मैं चीन में जाके डालू, वहां की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो उस अनुसंधान में भारत को एक तो ईसी भी मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, तो लाइक दिस ये मोर लिक्विड युआन हमको परेशान कर जाएगा। उससे आगे ग्लोबल करेंसी वॉर, ग्लोबल करेंसी वॉर अगर शांति से समझना हो तो L6P3 पावर पॉइंट में देख लेना, अभी हवा में देख लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट थिंग, सबप्राइम क्राइसिस आई, उसके बाद यूएस रिजर्व ने क्या किया, फेड रिजर्व ने क्वांटिटेटिव ईजिंग, वो बॉन्ड खरीदना शुरू किया, डॉलर सप्लाई बढ़ाई, फिर धीरे धीरे उसे कम करने के लिए फेड टैपरिंग लेके आए। अब उसके आगे उन्होंने करना चाहिए कि अपने इंटरेस्ट रेट जो 0% चल रहा है उसे धीरे धीरे बढ़ाने चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज मैनिपुलेशन। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी खड्डे में चली गई, तो उन्होंने भी क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे बॉन्ड खरीदना शुरू किया, यूरो सप्लाई बढ़ाना शुरू किया, तो एक तो वो मुद्दा चल रहा है। अब क्योंकि यूरो सप्लाई बढ़ रहा है और युआन सप्लाई भी बढ़ रहा है, लेकिन हम पाते हैं कि यूरो सप्लाई कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, तो युआन के सामने वो पहले से हम पाते हैं कि वीकेंड यूरो अगेंस्ट युआन जो पहले रेट था उससे अलग होने लगा, तो अब चाइना वालों को लगता है कि हमें और ज्यादा अपना डिवेल्यूएशन करना चाहिए, हमने और युआन को लिक्विड बनाना चाहिए। सो लाइक दैट जैसे ग्लोबल अपना रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में, उसी प्रकार का एक परिस्थिति का भी निर्माण हो रहा है,
हर एक देश अपनी करेंसी को या तो डिवैल्यू कर रहा है या फिर कि उसका क्वांटिटेटिव एजिंग कर रहा है ताकि उसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ी रहे। अब इस प्रकार का करेंसी वॉर बनता जाएगा तो हमेशा भारत की तकलीफ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं एक जगह पे तो नुकसान होने ही वाला है। तो एक मुद्दा बड़ा था यूएन इंक्लूजन इन एसडीआर, वो खत्म हो गया और क्रिस्टीन मैडम ने बाय बाय भी बोल दिया। अब चलते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश। ब्लैक फ्राइडे नहीं, ब्लैक मंडे। ब्लैक फ्राइडे तब बोलते हैं कि अगर वहां बॉम्ब धड़ाके हो जाते स्टॉक एक्सचेंज के बाजू में, राइट। ब्लैक मंडे बिकॉज 24 अगस्त 2015 को उनका स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत बड़ा झटका देखने को मिला, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में। क्यों ऐसा हुआ? चाइनीज फैमिली है, उसके पास सरप्लस सेविंग्स है बहुत सारी, कहां जाके निवेश करना चाहिए? बीच में एक ऐसा दौर चला कि इन सब ने रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया। एक ही फैमिली एक सिटी में रहती है तो दूसरी 5 सिटी में जाके वो लोग मकान नहीं खरीदेंगे, लीज पे लेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो वहां मकान खरीदने का कंसेप्ट नहीं, आपको 100 साल के लिए लीज पे वो मिलेगी, राइट। तो ये सब लोगों ने ढेर सारे इस प्रकार के जो भी नए सिटी बन रहे थे, स्मार्ट सिटी बन रहे थे, वहां पर खरीदना शुरू किया, ये सोच के कि हम फिर माइग्रेंट लेबरर्स को वो लीज सब लेट कर देंगे और हमको भाड़े में पैसा मिलता रहे और हम मतलब कि पैसा रिटर्न अपना इन्वेस्टमेंट पे ढेर सारा होता रहे। लेकिन आगे चल के हम पाते हैं कि इस प्रकार की ये स्मार्ट सिटीज दे बिकेम घोस्ट सिटीज, वहां कोई रहने को आया नहीं, ये मतलब डेवलपमेंट पूरा बराबर हो नहीं पाया। अब स्वाभाविक है रियल एस्टेट का बूम कोलैप्स हो जाए तो नुकसान अपस्ट्रीम कंपनियों को होगा। रियल एस्टेट की अपस्ट्रीम कंपनियां क्या होगी? स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो लोन में पैसा लाके उन्होंने जो भी अपना एक्सपांशन किया होगा वो सब हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और क्योंकि ये पूरे अपस्ट्रीम में भी नुकसान देखने को मिलेगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट आपको कमी देखने को मिलेगी, जिसका चरम आप पाते 2015 में जब चाइना का जीडीपी बिकेम ग्रोथ रेट बिकेम लेस देन 7%, राइट। तो इस प्रकार से ये सिस्टम खड्डे में चले गए। अब इसको वापस पुनर्जीवित करना है, इन स्टील सीमेंट कंपनियों के एनपीए की समस्या आप कैसे खत्म कर सकते हैं? लोन माफ कर दे, नहीं वो तो ऐसा नहीं हम सोच सकते, बैंक वाले इनको नया पैसा उधारी में दे दे, ये भी होने से रहा क्योंकि इनका पहले से एनपीए बढ़ गया। तो ऐसी कंपनियों को वापस उठाने के लिए, इकोनॉमी को वापस पुनर्जीवित करने के लिए एक काम ये हो सकता है, ये स्टील सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी हैं वो लोग अपने नए बॉन्ड इश्यू करें, कहां पर? सिक्योरिटी मार्केट में, और उसे जनता एफआईआई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो सब्सक्राइब करे तो इनको कैपिटल में नया पैसा मिल जाए, ठीक है, और वो अपने पुराने नुकसान को मतलब कि सेटल कर दे और कुछ नया बिजनेस एक्सपेंशन हो, इकोनॉमी गति में आ जाए। अब ऐसा करने पर अगर ये कंपनी वाले यहां पर नए बॉन्ड इश्यू करेंगे तो क्या एफआईआई एफडीआई वाले आएंगे? नहीं, चाइना की रिजिम बहुत स्ट्रिक्ट है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता नहीं, आता है तो भी वो बहुत कंट्रोल मैनर में आता है, लेकिन जनता के पास सरप्लस हाउस होल्डिंग तो है, तो कैसा कुछ एक तुक्का मारा जाए ताकि ये जनता आके यहाँ पर निवेश शुरू करे और वो पैसा कंपनी वालों को मिल जाए। अगर ऐसा करना है तो इनको मोटिवेट करना पड़ेगा, और इनको मोटिवेट करने का काम किया चाइनीज मीडिया वालों ने, उनका जो भी सरकारी न्यूज़पेपर है चैनल है वहां पर ये पूरे जोर से बताया गया। जैसे यहां पर म्यूचुअल फंड निवेश के क्या फायदे हैं, ऐसी एड्स चलती हैं, राइट, वैसी एड यहां पर भी उन्होंने चलाई, ऐसे मतलब टॉक शो डॉक्यूमेंट्री, उनकी जो भी लोकसभा टीवी वहां पर वो जो भी चर्चा करते होंगे एक्सपर्ट को बुला के सो ऑन। तो स्वाभाविक है जनता मोटिवेट हो गई और जरूरत से ज्यादा मोटिवेट हो गई कि 9 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले जिसमें 80% ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉलेज भी पास नहीं किया था, और उनके सिक्योरिटी मार्केट्स में आप ट्रेडिंग देखें तो पता चलेगा 85% ऑफ द ट्रेडिंग इज डन बाय सच स्मॉल इन्वेस्टर्स, और केवल 2% ही बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, और बाकी 13% उनके फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जैसे अपना LIC है, UTI है, राइट, वैसे चीन के जो भी होंगे वो सब कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या हो रहा है, कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है ऐसे लोग 85% ट्रेड कंट्रोल कर रहे हैं, तो मतलब वो जो भी होगा वो बराबर नहीं हो रहा होगा, तो उनके स्टॉक एक्सचेंज में बबल आ गया, 150% ऊपर चले गए वो लोग धीरे धीरे। अब स्वाभाविक ऐसा कोई भी बबल आएगा तो एक दिन उसे कोलैप्स होना ही है। हम जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट के 2 प्रकार हैं, एक होता है मनी मार्केट जहां शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इशू होती है, और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट जहां लॉन्ग टर्म इशू होती है। अब यहां पर भी जो पहली बार इशू की जाएंगी पेटी पैक, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, जहां मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफर आपने डाला, उसमें जो शेयर आपने खरीदे आपको मजा आया नहीं आया और उसको आप वापस रीसोल्ड करने जाओगे उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट या शेयर मार्केट।
अब ये चित्र आप समझ चुके हैं कि जनता यहां पर पूर जोर पे निवेश किया था शेयर मार्केट में, और अलग अलग कंपनियों के ढेर सारे शेयर उन्होंने खरीद के रखे। लेकिन 2015 जून जुलाई तक आते आते अलग अलग अफवाह बाजार शुरू हो जाता है कि यूएस फेडरल रिजर्व वाले अपना रेट हाइक कर देंगे और उसके चलते चाइनीज इकोनॉमी पर इस प्रकार के असर होंगे और ये वाली कंपनियां प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगी, या कि चाइना वाले अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी डाउन कर देंगे और ये कंपनी का ये नुकसान हो जाएगा, जीडीपी स्लो डाउन है, एक्स वाई जेड। अब क्योंकि ये लोग कॉलेज ग्रेजुएट तो है नहीं, कोई अगर थोड़ी सी भी अफवाह यहां वहां मिल जाए उस हिसाब से उनका निवेश चलता था, तो अचानक से ये लोगों ने अपने पास जो भी सिक्योरिटी थी खरीद के रखी थी उन सबको उन्होंने बेचना शुरू किया, और जो पैसे हाथ में आए वो लेके या तो उन्होंने शेयर मार्केट से निकल गए या फिर कि नए जो आईपीओ आ रहे थे उन्हें खरीदना शुरू किया। ठीक, अब ऐसी अचानक से बेचना का काम शुरू हो जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या चित्र बन गया। जुलाई 2015 में शांघाई स्टॉक एक्सचेंज 30% एक मतलब क्रमिक रूप से वो गिर गया, और 24 अगस्त 2015 जिसे हम ब्लैक मंडे बोलते हैं एक ही दिन में 9% वो नीचे डाउन हो गया, जिसे के चलते ये पूरा मतलब स्टॉक एक्सचेंज क्राइसिस देखने को मिला। चीनी सरकार ने स्वाभाविक है इसे बेल आउट करना पड़ेगा, कुछ मदद करनी पड़ेगी, तो चाइनीज पेंशन फंड, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना सरकार खुद, इन सब ने शेयर बाजार के अंदर ढेर सारा निवेश शुरू किया। कलेक्टिवली $1 ट्रिलियन से ज्यादा युआन डाला गया। अब स्वाभाविक है युआन की लिक्विडिटी और बढ़ी तो वो डॉलर के सामने और कमजोर होगा। एंड लाइक दैट, अब आप मुद्दे जोड़ सकते हैं कि इंडिया को इनडायरेक्टली वो कैसे इम्पैक्ट किया होगा। और भी टेक्निकल रिफॉर्म्स लिए गए, ये इंटरव्यू के वक्त आप पढ़ लेना, वो वहां सवाल पूछ सकते हैं। यहां अपने लिए काम करें, अपने लिए काम की ये चीज है कि हाउ डज दिस पॉलिसी हैज अफेक्टेड इंडिया। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी बड़े स्तर पे, स्वाभाविक है चाइनीज स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो ये जो भी एफआईआई वाले थे उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया होगा। अब निकालना शुरू करेंगे और बाकी जो भी चित्र बन रहे थे, तो इट लेड टू फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना, ये जो भी इन्वेस्टर थे वो गोल्ड, येन, स्विस फ्रैंक, यूएस बॉन्ड, इन सब में वो पैसा डालना शुरू किया, तो उन सभी करेंसी का ये एप्रिसिएशन हो गया। अब जो भी एप्रिसिएशन होगा, ये डॉलर मजबूत हो गया तो अमेरिकन एक्सपोर्टर के लिए खराब है, चीन वाले तो फिर भी मजे में चल रहे हैं। नेक्स्ट, जब ये लोगों ने पैसा लेके भागना शुरू किया और शेयर मार्केट क्रैश हो गया, उसके अनुसंधान में भारत के भी शेयर मार्केट में जो भी मेटल और एनर्जी की अपस्ट्रीम कंपनियां हैं, वेदांता, हिडाल्को, ONGC, इनमें से भी FII ने अपना पैसा निकाल के उन्होंने भी भागना शुरू किया, तो उसके चलते हॉट मनी, आप समझते हो हॉट मनी क्या होता है, विदेशी निवेशक भारत में लगाता है और फिर अचानक से ले जाता है। तो जब ये सब FII वालों ने अगस्त में 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए अचानक से निकाल दिए अपनी कंपनियों से, तो स्वाभाविक है ये शेयर वेदांत हिडाल्को, ONGC, उनके शेयर का दाम नीचे गिर गया होगा। तो भारतीय निवेशक ने जो पैसा डाला होगा वो भी एक प्रकार से अब उसका वैल्यू, उसके पोर्टफोलियो की कम हो गई। सो लाइक दैट लोकल इन्वेस्टर वॉज हर्ट बाय द फ्लाइट ऑफ हॉट मनी। अब आगे बात, ऑयल मार्केट पे क्या असर, स्वाभाविक है चीन की इकोनॉमी अगर शॉर्ट टर्म में ऐसे खड्डे में चली गई तो ऑयल की डिमांड, खपत वो लोग कम करेंगे, और उसके सामने डॉलर स्ट्रांग हो गया तो मतलब इन अदर वर्ड्स अब ऑयल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखेगी अपस्ट्रीम कंपनियों को जो कि ऑयल प्रोडक्शन का काम करती है, ONGC, रिलायंस प्रोडक्शन या रिफाइनिंग स्टेज वाली, तो इनके स्टॉक प्राइसेस अब कम होने लगे, और डाउनस्ट्रीम वाली कंपनियां पेट्रोल, पेंट, टायर, एविएशन, इनको अब सस्ते में ऑयल मिलने की अपेक्षा रख सकते हैं। ऐसा सोच के निवेशक अपना पैसा ऐसी डाउनस्ट्रीम कंपनियों में ज्यादा डालेंगे, ये सोच के कि वहां प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है तो हमको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, सो ऑब्वियसली उनके स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे। इकोनॉमी के अनुसंधान में ऐसा नहीं है कि तुरंत ये सब हो जाएगा, बट हो सकता है आगे चल के और क्रूड ऑयल का दाम नीचे गिरता जाए, तो सस्ता ऑयल होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, तो भारत सरकार को सब्सिडी कम देनी होगी, और अच्छे अच्छे मुद्दे आप सोच सकते हो। दूसरी बात, इन्फ्लेशन कम होगा तो जनता फिर गोल्ड में निवेश करने नहीं जाएगी, वो बैंकों में, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट में निवेश करेगी, और वो पैसा फिर सर्कुलेट होकर चलेगा तो बिजनेसमैन को और निवेश में पैसा मिलेगा। एंड सो ऑन, मेटल मार्केट में क्या, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दबदबा है, राइट, तो स्वाभाविक है वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एल्यूमिनियम, कॉपर, इस प्रकार की मेटल कमोडिटी का बहुत इंपोर्ट होता है, कंजम्पशन होता है। लेकिन अब क्योंकि उनके अभी इकोनॉमी में इस प्रकार की तकलीफें आ गई, वहां से डिमांड कम हो गई, तो अगेन यहां मेटल में भी प्रोडक्शन करने वाली अपस्ट्रीम कंपनियां, वेदांता, हिंदाल्को, उनके प्राइस डाउन में चले जाएंगे, और डाउनस्ट्रीम वाली कंपनियां, उनके प्राइस डाउन में चले जाने चाहिए बट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल जैगुआर, स्टील इज अपस्ट्रीम तो उसको प्रोसेस बना के आपने किया क्या, कार बना दी, तो अब उसकी बिक्री के हिसाब से निवेश और प्राइस बढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन ये टाटा और दूसरी
जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनका चीन में ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और दूसरी देशों में भी, तो हम पाते हैं कि उनका भी सेल्स चाइना में कम हो गई एंड सो ऑन। दूसरी बात, अगर ये मेटल कमोडिटी के दाम अब नीचे गिरना शुरू हो जाए तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि भारत के मेक इन इंडिया को इससे मदद मिलेगी? इन थियरी मदद मिलनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम फायदा कब हो सकता है? जब वो मेटल को प्रोसेस करने के लिए अपने पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो, वो सो भी मेटलर्जी कंपनी में काम करने के लिए स्किल्ड मैन पावर हो, राइट? तो मतलब कैपिटल, स्किल, टेक्नोलॉजी वो अगर हो तभी जाके हम इसको एक्सप्लोइट कर पाएंगे। तो वो अपॉर्चुनिटी बनने में अभी 3-5 साल लग सकते हैं, जब तक कि वो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अटल सेतु ये सब मटेरियलाइज होके आगे बढ़े, तब तक हो सकता है कि वापस ये लोग रिकवरी में आ जाए और ये सारी चीजें वापस महंगी हो जाए। गोल्ड मार्केट में क्या असर? ऐसा चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। अब आप समझिए शेयर मार्केट में खड्डे में चला गया तो जनता अब क्या करेगी? गोल्ड परचेज ज्यादा करेगी। तो धीरे धीरे, अभी तो नहीं हुआ बट हम अपेक्षा रख सकते हैं कि सोने की इस प्रकार से डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, और सोने का प्राइस बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भारत के लिए बढ़ेगी, और सीडी बढ़ती है तो कैसे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तक पहुंचा सकती है, और सारे मुद्दे आप जानते हैं। सरकार को भी ये पता है कि गोल्ड की खपत कम करानी है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, वो सारी चीज वो लेके आए। L6P1 पावर पॉइंट में आप आराम से देख लेना। आगे बात, हमने देखा कि चीन का ये स्टॉक मार्केट खड्डे में चला गया और उसके चलते चाइनीज इकोनॉमी पे क्या खराब असर, और पूरे विश्व पे और भारत पे क्या खराब असर? क्या भारत की भी ऐसा शेयर मार्केट में ऐसा कोई ब्लैक फ्राइडे हो सकता है क्या? नो, इट कैन नॉट हैपन, ऑल थैंक्स टू दिस पर्सन, क्योंकि उसने पहले से ही ये हर्षद मेहता और केतन मारेक ने जो स्कैम किए उससे हमने मतलब कान पकड़ के उसी समय से लेट 90 से ही सेबी है या दूसरे जो भी रेगुलेटर्स बना के वी हैव टाइटर सर्वेलेंस ओवर अवर सिक्योरिटी मार्केट, चाहे वो फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, शेयर मार्केट हो, कमोडिटीज एंड सो ऑन। एक NSEL का वो लास्ट में करके गया, अब तो और टाइट हमने कंट्रोल कर दिया है। सो एक तो ये बात है कि हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, चीन में हमने देखा चीनी सरकार, उनकी सरकारी बैंक और उनके पेंशन फंड ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर दे इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट टू बेल आउट द कंपनीज। भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी, ये कंपनियों को भी पता है, उसके चलते वो ऐसी कोई गफलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, हमने देखा चाइना के अंदर ये नॉन ग्रेजुएट लोग निवेश कर रहे थे और थोड़ी जो भी अफवाह या टिप मिल गई, जैसे घोड़े के ऊपर दाव लगाते हैं कहीं सुनी बातों से, उस प्रकार से वो चल रहा था। भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो है बट ही इज मोर इन्फॉर्म्ड, ऑल थैंक्स टू दिस वेरियस चैनल्स एंड न्यूज़पेपर। और जो भी निवेश हो रहा है क्वांटिटेटिवली आप देखो तो मेरे आपके जैसे लोगों का शेयर मार्केट में निवेश इतना है और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का इतना बड़ा है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कौन से? UTI है, म्यूचुअल फंड है, राइट, और इवन FIR के जरिए जो जो पैसा आया। सो जब ऐसे बड़े लोग हैं तो उनके पास अपने पेंशन मैनेजर होंगे, फंड मैनेजर होंगे, और वो दिमाग लगा के आराम से निवेश करेंगे तो अचानक से कहीं पे एसेट बबल हो जाए या ऐसी संभावना नहीं है। एंड लास्टली, आवर मीडिया इज इंडिपेंडेंट, वो ऐसी पट्टी जनता को नहीं पढ़ाएंगे कि आप ऐसा करो या वैसा करो। हाँ, अपने यहाँ शेयर मार्केट की अलग अलग चैनल चलती है, वो नीचे पट्टियां चलती हैं, बट पीपल आर इन्फॉर्म्ड और मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये जो सरकारी पॉलिसी चीन ने बनाई थी कि सरकारी मीडिया जनता को प्रोत्साहित करे आप शेयर मार्केट में पैसा डालो, ऐसा नहीं हो रहा है। सो सवाल कुछ ऐसा निकल सकता है, GS2IR में दो फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर स्ट्रॉन्ग बट द कंटिग्यूअस इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी हैज मेड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडिया, डिस्कस इन रेफरेंस टू US, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है किंतु विश्व स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्था के संक्रामक प्रभाव ने हाल के दिनों में भारत पर गहरा प्रभाव डाला है, अमेरिका, यूरोपियन संघ और चीन के विशेष संदर्भ में चर्चा करो। UPSC में आजकल इस प्रकार के सवाल एक प्रीमाइस देते हैं और फिर किसी चीज की चर्चा करो तो आप आराम से कर सकते हो। उनको जो भी घुमा फिरा के पूछना हो, आपके पास मुद्दे हैं, क्वांटिटी बेजिंग वाली चर्चा करो, थोड़ा ये यूएन वाली चर्चा करो, थोड़ा स्टॉक मार्केट वाली चर्चा करो, थोड़ी WTO ट्रेड पॉलिसी, फिर अपना वो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी अग्रीमेंट, थोड़े IPR की बात करो, XYZ आप पूरा कर सकते हो ये जवाब। फिर एक सवाल बन सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की ये लो इंटरेस्ट और क्वांटिटेटिव एजिंग पॉलिसी से भारत को नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल टर्मोइल हो रहा है, ये हम पहले प्रीलिम्स के पावर पॉइंट में चर्चा कर चुके हैं, आप घर पे पढ़ लेना। देन वाइब्रेंट फाइनेंशियल मार्केट बनाने में ये गिफ्ट सिटी का क्या महत्व है, उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, घर पे देख लेना स्लाइड। आगे बढ़ते हैं ग्रुपिंग्स, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स वाला जो GS2 में मुद्दा है, EIB और ब्रिक्स बैंक वो पूछ लिया तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, WTO
पीस क्लॉज ये भी पूछ लिया तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अब मोदी की जुलाई में सेंट्रल एशिया में मुलाकातें, तो 5 स्थान कंट्रीज तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान और वो सब ठीक, और 2 उफा के रशिया के उफा में 2 समिट हुए, एक ब्रिक्स समिट और दूसरी एससीओ, तो ये सब भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, केवल एससीओ पे थोड़ा फोकस करते हैं। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शन और भारत का क्या यहां पर इंटरेस्ट है जीएस2 के लिए। 2001 में बना ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन और चाइनीज, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ऊपर होता है हेड ऑफ द स्टेट जो कि प्रायोरिटी एरिया क्या क्या है तय करेंगे, देन हर एक अलग अलग काउंसिल बनाई है, हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर और ऐसे लोग मिलेंगे और बजट तय करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर बैठेंगे और उनकी कॉन्फ्रेंस में फॉरेन पॉलिसी वगैरह तय होगा, देन डिफेंस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी डिजास्टर इनकी एजेंसी के जो भी अफसरान होंगे वो बैठेंगे और वो अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उनका काम हुआ, तो दूसरा ये पिलर। देन डेली फायर फाइटिंग के लिए सेक्रेटेरिएट होता है और वहां पर एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होता है जिसकी चयनित कौन करता है, ये हेड ऑफ स्टेट वाले। और एसईओ का एक बड़ा उद्देश्य है टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाना, तो उसके लिए जो भी उनका डायरेक्टरेट है उसकी भी कौन अपॉइंटमेंट करेंगे, ये काउंसिल ऑफ स्टेट वाले ठीक। अब एसईओ के पार्टिसिपेंट कौन है, कुछ उसके मेंबर स्टेट है, कुछ ऑब्जर्वर स्टेट है और कोई डायलॉग पार्टनर है। याद रखना है कि डायलॉग पार्टनर में एक ईरान भी है, यहां पर चित्र में आया यहां पर है, सॉरी ऑब्जर्वर स्टेट में एक ईरान है। चीन और भारत पाकिस्तान लंबे समय तक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में बने रहे, भारत तो 10 सालों से ऑब्जर्व ही कर रहा था, फिर अब कि हमको भी मेंबर बना दो, तो 2016 में फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी और वी विल बिकम अ मेंबर ऑफ द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे भारतीय हितों पर क्या असर होगा, 2 एंगल में बात करनी है। सबसे पहला एंगल होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस और रॉ मटेरियल अपने को मिल जाए, एनर्जी फर्टिलाइजर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। कैसे, भारत के अंदर पोटाश रिजर्व नहीं है, सबसे ज्यादा रिजर्व है कनाडा में और दूसरे नंबर पे रशिया में है, और ये मतलब ये वाले जो सेंट्रल एशियन कंट्री है। स्वाभाविक हम एससीओ के अंदर मेंबर बन गए तो ये आराम से यहां से अपने को माल मिल जाए। नेक्स्ट हम पाते हैं कि तुर्कमेनिस्तान के अंदर गैस रिजर्व ज्यादा है, बढ़िया है, तो वहां से अगर हम तापी पाइपलाइन खींच लें और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, EIIB, ब्रिक्स बैंक, एससीओ वाले ये सारे लोग इसको फाइनेंस भी कर लें, राइट, तो इस प्रकार से अगर हमको नेचुरल गैस मिल जाए उसके ऊपर आप उसमें से आप एमोनिया एक्सट्रैक्ट करो और उस एमोनिया से यूरिया बना सकते हो, तो यूरिया फर्टिलाइजर की अपने को सिक्योरिटी हो गई, और पोटाश इंपोर्ट कर सकते हो तो पोटाश वाले फर्टिलाइजर की भी अपने को रॉ मटेरियल में सिक्योरिटी हो गई। आगे उसी प्रकार गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं, ये यूरेनियम और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करने में अपने को दूसरी मेटालिक रिसोर्सेज कॉपर एल्यूमिनियम मैंगनीज जिंक जो भी वहां पर है। आगे एक तो मतलब ये तापी पाइपलाइन हो जाए अपनी, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया, दूसरी ईरान पाकिस्तान इंडिया वाली लाइन भी हो जाए। वाई देखिए भारत मेंबर बन गया एससीओ का, पाकिस्तान मेंबर बन गया और ईरान वाले ऑब्जर्वर स्टेट तो है, तो अब ज्यादा मजबूती से अच्छी तरह के काम कर सकते हैं, तो अगेन वहां से अगर नेचुरल गैस मिलता जाए तो अपना यूरिया हम बना सकते हैं, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी हो गई, और ये जो भी काम करने हैं उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो ब्रिक्स बैंक EIIB वहां पर भी अपनी मेंबरशिप है, तो पैसा तो आता रहेगा। आतंकवाद की समस्या, यहां अगर कोई सिक्योरिटी कोऑपरेशन कराना है, यहां कुछ आतंकवादी धमाल कर रहे हैं, तो एससीओ में हम क्योंकि मेंबर है तो सिक्योरिटी के नाम पे हमको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, तो ये सब अच्छा अच्छा होने लगा टेररिज्म के सामने। और क्योंकि इस प्रकार से अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा अफगानिस्तान का पाकिस्तान का, तो अगेन डेवलपमेंट एक्सट्रीमिज्म के नाम पे आप सोच सकते हो कि कम युवा लोग वहां आतंकवाद में जाएंगे और हमको वो भी फायदा होगा। सो फर्स्ट एंगल वॉज इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड एंगल क्या होगा, रॉ मटेरियल लिया प्रोसेस किया कुछ बनाया, अब उसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के अंदर एक रशिया के ऊपर जो समंदर है वो विंटर में इट गेट्स फ्रोजन, तो रशिया ने क्या किया, यूक्रेन से क्रीमिया हथिया लिया और फिर कि वहां से हम ये ब्लैक सी मार्फत नीचे जाएं और लेटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका हर एक जगह पे अपना कंट्रोल हो जाए। अब भारत भी इस प्रकार से कनेक्टिविटी के बारे में सोचना पड़ेगा, तो रशिया वाले और दूसरे लोग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC एक प्रकार का मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनेगा, शिप रेल रोड सबके, वो प्रतीक सर ने अपने IR2P4 के अंदर ये पढ़ा है, आप देख लेना। अब हम ये रशिया के और ये जो चल रहा है INSTC उसको लेवरेज करें और हम यहां पर कैसे अपने एक्सपोर्ट चीजों को बढ़ा सकते हैं, मुंबई से कोई चीज मतलब जो भी प्रोड्यूस किया हमने, ये वरमाला जो पहनी थी भारत माला, ओके वहां से सारा माल इधर आ गया, नीचे से जो भी मुंबई पे आ गया, अब
ये सारा माल आप समंदर के रास्ते अरेबियन सी से यहाँ तक पहुंचा दो ईरान में, उधर क्या है बंदर अब्बास और चाह बहार पोर्ट, और अगर अच्छा लगे तो ये ग्वादर पोर्ट पे भी आप रख सकते हो चीन पाकिस्तान के, क्यों अब एसईओ में सब साथ मिलकर अच्छा अच्छा काम करना है। फिर वहां से ये सामान ऊपर पहुंचाया जाए तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और ये सारे देश, क्योंकि भारत की प्रकार यहां पर भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनका इनकम लेवल बढ़ रहा है, तो वो भारतीय चीजों को अपनी नैनो कार को अपने माइक्रोमैक्स मोबाइल को खरीदने की अपेक्षा हम रख सकते हैं। तो मतलब मुंबई से ये माल समंदर के रास्ते ईरान तक पहुंचा, फिर आप क्या करो देलाराम जरंज हाईवे है उसके जरिए अफगानिस्तान पहुंचाओ, फिर ऊपर चलाओ। इसी प्रकार कोई इंटरमीडिएट गुड्स आपने बनाए हैं, मान लो फार्मा के अंदर बल्क ड्रग्स बना लिए, वो आप पहुंचा दो कजाकिस्तान तक या फिर कि अजरबैजान तक या जॉर्जिया तक, और उसे और ज्यादा प्रोसेस करा के फाइनल जो ड्रग बनी वो आप यूरोपियन यूनियन के अंदर उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मेक आउटसाइड इंडिया को भी आप प्रमोट कर सकते हो और भारत को वो कैसे मदद कर सकता है, नाउ यू कैन थिंक अबाउट देन। तो ये रेल कनेक्टिविटी ईरान से लेके यहां तक होने वाली है INSTC के जरिए, तो ईरान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे से आप सारा माल पहुंचा सकते हो। देन ये मुंबई से आपने यान टेक्सटाइल इस प्रकार के गारमेंट्स आप समंदर से ईरान तक पहुंचाए, उससे आगे मिडल ईस्ट टर्की राइट यहां तक पहुंचा दो, या फिर कि उधर से पहुंचा के इजिप्ट तक चले आओ। तो इजिप्ट के अंदर कॉटन प्रोडक्शन बढ़िया रहता है और हम उनको कोई मशीनरी और टेक्नोलॉजी दे दें तो थोड़ा मतलब टेक्सटाइल वो यहां से भेजे, थोड़े प्लास्टिक के बटन और स्टील के रिवेट हम यहां से भेजे और वो सारा असेंबली लाइन यहां तुर्की में हो जाए, तो भारत के फिर जीन्स और ऐसी टेक्सटाइल मेक आउटसाइड इंडिया के नाम पे वहां बनाओ और देन यू कैन सेंड इट टू यूरोपियन यूनियन। तो इस प्रकार से अगेन जो भी वहां पर आप ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इस प्रकार के हैंडीक्राफ्ट कारपेट राइट, इन सभी चीजों में आप कर सकते हो और ढेर सारा इस प्रकार से एक्सपोर्ट होता रहेगा तो भारत का उतना पैसा आता रहेगा, अपना GDP ग्रोथ देखेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता रहेगा, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी, अच्छे अच्छे मुद्दे आप लिख सकते हो। सो अब पूछा जाए कि भारत SCO का मेंबर बने उससे क्या अपने इम्पैक्ट होगा, भारत का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में सुविधा होगी, ऐसा अगर लिखा देन इट इज टू जुवेनाइल, जरा रिफाइन करके जो समझा वो लिखना है, बनाते हैं मुद्दे। फर्स्ट थिंग दिस SCO के अंदर मेंबर बनने से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कैसे कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है राइट, दूसरा ये पाइपलाइन वाली और ऐसी कनेक्टिविटी की बात आप करो तो AIIB ब्रिक्स बैंक ये सब लोग हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग कनेक्टिविटी किसकी बनेगी, 4M और 1E की, मेन मटेरियल मिनरल्स मार्केट एंड एनर्जी। अब स्वाभाविक है कनेक्टिविटी बढ़ी तो अपना ट्रेड बढ़ेगा, अब ट्रेड बढ़ेगी तो टाई बढ़ेगी, टाइज कैसे बढ़ेगी, आप मिलिट्री रिलेटेड टाई बनाओ तो वो लंबे समय तक चले, उससे ज्यादा लंबे समय तक चलेगी इकोनॉमिक टाइज, तो इंडिया रशिया चाइना इवन पाकिस्तान इन सबकी इस प्रकार के ट्रेड इकोनॉमिक टाई बन गई तो आगे चल के G20 की बात हो, WTO सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट फाइनेंस, हर एक जगह पे जाके ये लोग अपना एक ब्लॉक बना के अपनी बातें रख सकते हैं ताकि जो अमेरिकन डोमिनेटेड पॉलिसी आजकल बढ़ रही है उसके सामने काउंटर बैलेंस किया जा सके। तो कनेक्टिविटी से ट्रेड बढ़ा, ट्रेड बढ़ी तो टाई बढ़ी, और टाई बढ़ी तो टेरर कम होगा, क्यों एज सच SCO का ओरिजिनल पर्पज ही ये था कि टेरर और सिक्योरिटी के रिलेटेड काम करना है। अब क्योंकि टाई बढ़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ज्यादा स्टेबल और प्रॉस्परस हो जाए तो वहां जो भी ड्रग ट्रस्ट करी आतंकवाद हो रहा है वो कम होगा, तो अपनी सिक्योरिटी उस हिसाब से बढ़ी। देन चीन के लिए भी ये बढ़िया है, चीन का वेस्टर्न इलाका वहां ये जिंगजियांग प्रोविंस है जहां ये उइगुर मिलिटेंट्स दे वांट अनदर कंट्री, वो अलग देश बनाना है और वो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिल रहे हैं, तो इन सबके सामने अगर लड़ना है तो चीन का भी अब इंटरेस्ट आ गया और भारत का तो है ही पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ने का, तो साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं। सो एंड रिजल्ट विल बी कनेक्टिविटी से ट्रेड बढ़ी, ट्रेड से टाई बढ़ी, टाई से टेरर कम हुआ, एंड रिजल्ट इज एशियन यूनिटी बनेगी, जो मोदी ने शब्द प्रयोग किया एशियन यूनिटी। तब अब एशियन यूनिटी के बारे में कुछ पूछा जाए या कि SCO का इसमें क्या महत्व या कि सेंट्रल एशियन कंट्री का क्या महत्व, यही सारे मुद्दे रिसाइकल करके आप यूज कर सकते हैं। तो अब तक हमने बात कर ली कि एक तो युआन का इंक्लूजन रिजर्व करेंसी में, देन अपना ये स्टॉक मार्केट कैसे क्रैश हो गया, फिर भारत SCO का मेंबर कैसे बनाए उसके रिलेटेड क्या इंपैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब तो अच्छा बुरा होता रहेगा लेकिन भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता क्यों नहीं है, नहीं बढ़ने के कारण क्या अपनी खामियां है, एक तो टैक्स टेररिज्म है, FDI रिलेटेड अपनी पॉलिसी क्लियर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बराबर से आ नहीं रहा, GST आप लागू नहीं कर रहे, अगर वो लागू हो जाए तो देन एंटायर इंडिया विल बिकम अ सिंगल मार्केट, तो वो मटेरियल की और इंटरमीडिएट गुड्स की आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर प्रोसेसिंग हो तो एक्सपोर्ट अपना बढ़ सकता है। अपने लेबर लॉ बहुत पुराने हैं,
एग्रीकल्चर पॉलिसी अनस्टेबल है, राइट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई, हर एक चीज पे यहाँ से परमिशन वहां से परमिशन, सो एंड रिजल्ट वी डोंट हैव इज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत घटिया रैंक है अपना। उससे आगे भारत के अंदर महंगाई उसके ट्रेडिंग पार्टनर से ज्यादा है, तो स्वाभाविक है अपना रॉ मटेरियल महंगा होगा तो हम उनकी टक्कर में सस्ते में माल बना नहीं पाएंगे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो, कनेक्टिविटी की बात कर लो, तो उसके जरिए एक तो प्रोसेसिंग बढ़िया नहीं हो पाता, और बढ़िया हो गया तो वो जल्दी से माल बाहर पहुंच नहीं पाता। राज्य सरकार भी उसके बारे में उदासीन है, वो ये सोचते हैं कि केंद्र सरकार असाइड स्कीम के नाम पे पैसा दे और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हमारी जिम्मेदारी है। देन मैन पावर अपना पूरा लो स्किल है, राइट, इनोवेशन और आरडीबी अपना आरएनडीबी लो है, तो जो भी बनेगा वो घटिया क्वालिटी का ही माल बनेगा, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की, जो रवांडा और नाइजीरिया में ही हम बोल सकते हैं उनके लिए वो आईफोन लगे, अदरवाइज हमारा अमेरिका में चल के जो बिक जाए ऐसी बात होने से रही। सो एक्सपोर्ट्स आर लो बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसे बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, आप लिख सकते हो। एक बड़ी बात ये करी गई कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई है जिसकी मदद से एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है। उसका टारगेट था कि 2020 तक 900 बिलियन डॉलर का अपना ट्रेड हो जाए और अग्रीमेंट बनाएंगे, अलग अलग काम करेंगे, राइट। तो रीजन वाइज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यूएसए में, यूरोपियन यूनियन में, सार्क, आसियान, चाइना, जापान, हर एक चीज में क्या होना चाहिए। देन प्रोडक्ट वाइज क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल वगैरह में, राइट। और इज ऑफ डूइंग के नाम पे ड्यूटी स्क्रिप्ट दी जाए, इंस्पेक्टर आज कम किया जाए, ब्रांडिंग प्रमोशन पे फोकस करे, इस प्रकार की बातें उन्होंने करी थी। और ये L6 P1 P2 में आप आराम से देख लेना, मिल जाएगा। अभी के लिए थोड़ा हमने देख लेना है कि ये ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप और TPP में कुछ नए डेवलपमेंट आए, वो क्या थे, देखते हैं। ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच, तो इससे प्रोविजन ये है, अमेरिका से अगर किसी ने दारू बनाया और वो यूरोपियन यूनियन में बिकने को जाए तो उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो स्वाभाविक है भारत के लिए क्या होगा, एक प्रकार का टैरिफ बैरियर, क्योंकि हमारा दारू जाएगा तो उस पर वो लोग 12-15% टैक्स लगाएंगे। सो दिस इज हर्टिंग लाइक दिस। नेक्स्ट, अमेरिका से अगर कोई ऑरेंज या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी चीज जाएगा उनको जल्दी जल्दी क्लियरेंस दे देंगे, उस पर क्वालिटी नॉर्म्स उनके रिलेटेड लाइट रहेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, हर एक जगह। तो स्वाभाविक है उसकी टक्कर में हमने अगर कोई सामान भेजा तो ये यूरोपियन यूनियन वाले बोलेंगे कि इसके अंदर ये फ्रूट फ्लाई वाला कंटामिनेशन है या पेस्टिसाइड है या XYZ, तो ये अपने लिए नॉन टैरिफ बैरियर हो गया। ठीक, तो ये क्या था चीज हम चर्चा कर चुके हैं, कुछ नए डेवलपमेंट देखते हैं। यूरोपियन यूनियन के ही अलग अलग देश के लोगों को ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप से परहेज है, तकलीफ है, तो वो लोग क्यों उसके सामने लड़ रहे हैं वो थोड़ा चर्चा देख लेते हैं। और एथिक्स के हिसाब से हमने अभी पिछले सेशन में पढ़ा कि फॉरेन कंट्रीज वो यहाँ भारत के एनजीओ को पैसा देते हैं धमाल करने के लिए, तो क्या भारत सरकार ने इन एनजीओ वालों को पैसा देना चाहिए वहां धमाल करने के लिए कि तुम ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप के सामने लड़ो? ओके, वो आप सोचना GS4 एथिक्स के लिए। हम देखते हैं कि इनको क्या तकलीफ है। एज सच दिस इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग अ समथिंग, बट ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड कोई बड़ा निबंध लिखना हो तो कहीं आप मुद्दे जोड़ सको इस बात। ट्रांस एटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में दो पार्टिसिपेंट है, एक अमेरिका है और दूसरा यूरोपियन यूनियन है। तो अमेरिका वालों को तो मजा है, यूरोपियन यूनियन के लोग धमाल कर रहे हैं, तो वो क्यों धमाल कर रहे हैं? उनकी सबसे पहले ही दिक्कत कि अमेरिका के अंदर ये GM क्रॉप, फिर वो बीफ को ग्रोथ करने के लिए वो प्राणियों को हार्मोन रिलेटेड हार्मोन की दवाइयां देते हैं जिससे कैंसर हो सकता है, पेस्टिसाइड केमिकल का भी भरपूर प्रयोग। तो ऐसी चीजें अगर यूरोपियन यूनियन में आएंगी तो हमारे इकोनॉमी, एनवायरमेंट को, हेल्थ को नुकसान करेगी, इसलिए इनको अनुमति नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट, अमेरिका वाले चाहते हैं कि हमारी ऑयल गैस, शेल गैस कंपनी, उनका भरपूर यहां पर एक्सपोर्ट होता रहे, तो एनवायरमेंट लॉबी यूरोपियन यूनियन की इनको परहेज है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देन अमेरिका वाले चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की सरकारी जो भी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर सेक्टर है वहां पर भी हमारी कंपनियों को आउटसोर्सिंग में वो सारी सर्विसेज दे दी जाए, तो स्वाभाविक है यूरोपियन यूनियन के ट्रेड यूनियनों को उससे मजा नहीं, उनको भय है कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी। नेक्स्ट, अमेरिका वाले चाहते हैं कि फार्मा कंपनी वाले हमारे जो भी क्लिनिकल ट्रायल करे उसका डेटाबेस पब्लिक वो इंफॉर्मेशन से रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो स्वाभाविक है इनको दिक्कत होगी कि कोई आपने मैनिपुलेशन गड़बड़ किया होगा और वो हमें जानने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अमेरिका के अंदर हमको पता है कि उनकी वो
फेडरल रिजर्व रेट, फेड रेट जो चलते हैं नियर 0% है, और डॉलर इज अ ग्लोबल करेंसी, तो ये सस्ते में डॉलर छापते रहेंगे, मतलब सर्कुलेट करते रहेंगे, इनकी कंपनी सस्ते में माल बनाएगी और यूरोपियन यूनियन के अंदर इनका ही सारा माल आ जाएगा और हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ये नुकसान करेगा। सो अमेरिका विल स्टार्ट डंपिंग सिमिलर टू चाइना इज डंपिंग इन यूरोपियन यूनियन। फिर एक बड़ा मुद्दा, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDS फंडा, ये है कंपनी वाले भी जाके सरकार के सामने केस फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में, यदि कंपनी को लगे कि सरकारी पॉलिसी से हमको नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म हुआ तो वो सॉवरेनिटी को डेंजर में डालेगा। कैसे? बिहार की तरह हो सकता है कि ब्रिटेन वालों को भी इच्छा हो जाए कि हम दारूबंदी लाएंगे, प्रोहिबिशन, राइट? लेकिन उन्होंने प्रोहिबिशन किया तो अमेरिका की दारू कंपनियां वाले उसके सामने ये टाटिप की ट्रिब्यूनल में जाके फरियाद कर सकते हैं कि आपकी प्रोहिबिशन पॉलिसी से हमारी कंपनी का नुकसान हुआ है। सेम वे टोबैको पैकेजिंग में ये एरिया बढ़ाना है या न्यूक्लियर प्लांट बंद करा देने हैं, तो अमेरिका वाले ऐसी कोई सरकारी पॉलिसी के खिलाफ यूरोपियन यूनियन के देशों को ऊपर केस में लड़ने के लिए ले जाएंगे। सो सॉवरेनिटी फैक्टर इज इन्वॉल्व। गूगल, फेसबुक, इन सभी पे NSA, पेट्रियोटेक, प्रिज्म प्रोजेक्ट, इनके चलते इनका पूरा डेटा अमेरिकन सरकार देख लेती है और ये सारी कंपनियां यूरोपियन यूनियन में एक तो टैक्स अवॉइडेंस करती हैं, प्राइवेसी कंसर्न है तो और तकलीफें चलती रहे। एंड लास्टली, मिडल ईस्ट में जो भी धमाल चल रही है या ISIS पे बॉम्बिंग किया या सीरियन वॉर, तो यूरोपियन यूनियन के लोग ये पाते हैं कि वो सारी तकलीफों की जड़ अमेरिका है और उन तकलीफों के चलते मिडल ईस्ट की जनता यहाँ माइग्रेट होके यूरोपियन यूनियन में आ रही है और यहाँ हमारी इकोनॉमी को, मतलब रिसोर्सिस पे उनका प्रेशर पड़ रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट यूरोपियन यूनियन की जनता वैसे ही अमेरिका से एंग्री है, देयरफॉर दे आर अपोजिंग दिस ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब तक हमने देखा यूएन इंक्लूजन इन SDR, चाइना का स्टॉक मार्केट कैसे कोलैप्स हो गया, भारत को SCO में मेंबरशिप से क्या फायदा, ट्रांस एटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, अब लास्ट मुद्दा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है। कुल मिला के 12 देश अमेरिका प्लस 11 अदर्स वो जुड़ के ये बना रहे हैं। साउथ कोरिया ने जब मैं ये गवर्नमेंट बना था ज्वाइन नहीं किया था। ये TPP क्यों चाहिए? चीन से अगर कोई खिलौने, गाड़ियां या टेक्सटाइल वो वियतनाम में जाएगा तो उस पर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी, लेकिन अमेरिका की ऐसे खिलौने, गाड़ियां, टेक्सटाइल वो वियतनाम में जाएगा तो उससे 20-40% कस्टम ड्यूटी लगती है। तो स्वाभाविक है अमेरिका को मजा नहीं आएगा। वो चाहते हैं कि ये सभी देश, चाहे कनाडा, मेक्सिको या इस प्रकार यहाँ पर जो एशियन कंट्री है, वहां हमारा माल 0% कस्टम ड्यूटी में जाना चाहिए, तभी जाके हम चाइना की टक्कर में बढ़ पाएंगे। तो स्वाभाविक है उसके चलते चीन ये यूएसए लेके आया कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बनानी है। अब तकलीफ हो सकती है, आप सोचो कि दिस इज अ टू वे स्ट्रीट, कि वियतनाम के अंदर भी जो माल बना वो अमेरिका में आया तो उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगे, लेकिन अगर ऐसा करने गए तो ये वियतनाम, कंबोडिया, यहां पर तो सस्ता लेबर फोर्स आपके पास है और वो सस्ते में माल बना के यहां फ्लड कर दे दो, अमेरिका को नुकसान हो जाएगा कि अपना माल उधर जाने से लगा ये लोग अपना माल हमारे यहां ले रहे हैं। देयरफॉर अमेरिका ये भी चाहता है कि लेबर प्रोविजन हमारे हिसाब से होने चाहिए, कि चाहे लेबर को खत्म कर दो, ट्रेड यूनियन को परमिट करो एंड सो ऑन। अब ऐसा अगर कुछ किया जाए तो क्या भारत ज्वाइन कर सकता है? नहीं कर सकता। व्हाई? TPP में ये बोला गया है कि एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। भारत ने चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट बिल 2012 लेके आया, वहां क्या लिखा है, हम लोग चाइल्ड लेबर को संपूर्णतः खत्म नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ अवर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इसलिए ये बिल में प्रावधान है 14 साल से कम उम्र का बच्चा भी काम कर सकता है किधर, फैमिली एंटरप्राइज में, और सर्कस को छोड़ के बाकी की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी वो काम कर सकता है। ये बात बराबर कि 14 से 18 तो हैजार्डस इंडस्ट्री में नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, कि अगर पेरेंट पहली बार पकड़ा गया तो उसे जेल में या वायलेशन के लिए कोई फाइन नहीं करेंगे। तो मतलब यूएसए वाले जो बोल रहे हैं कि चाइल्ड लेबर संपूर्णतः खत्म कर दो, वो हम खत्म नहीं कर सकते और इसके चलते हम आपके TPP में ज्वाइन भी नहीं कर सकते। देन ये TPP बोलता है कि इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस है, पेड़ काटने की प्रक्रिया, इन सबको आप बंद कराओ, वो भी हम नहीं करा सकते बिकॉज ऑफ अवर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। आप मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट सारे इन्फोर्स होने चाहिए, वो हम नहीं करा सकते। भाई कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी करना है, प्रथम विश्व की जिम्मेदारी ज्यादा हो, वो लोग हमको ज्यादा फंडिंग में, टैक्स ट्रांसफर में पैसा दे तो हम कुछ सोचें, अदरवाइज ऐसा लीगली बाइंडिंग हर एक चीज हम करने से हम नहीं कर सकते। देन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, IPR, इनका पुरजोर से इन्फॉर्मेंस किया जाए, ये भी हम नहीं कर सकते। भाई अवर IPR फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन टू पैरामीटर्स, की IP तो प्रोटेक्ट करना है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है, तो आप अपने वहां से
कोई महंगी दवाई भेजो तो हम कंपलसरी लाइसिंग में उसका सस्ता वर्जन भी कराएं तो वो हम करना चाहेंगे, देयरफॉर वी कैन नॉट ज्वाइन योर टीपीपी। फिर जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वीडियो, बुक्स, गेम्स, उन पे 0% कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए। भारत बोलता है कि नहीं, हम तो टैक्स उस पे डालना चाहेंगे क्योंकि हमें पब्लिक फाइनेंस में पैसा चाहिए, फिजल डेफिसिट कम करनी है, वेलफेयर स्कीम चलानी है। देन यूएसए बोलता है कि आपकी जो भी सरकारी निगम हो, ओएनजीसी, एलआईसी, एसवाईजेड, डीआरडीओ वगैरह, उनको कोई अलग से एडवांटेज नहीं देना चाहिए कोई भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो भी प्रोक्योरमेंट हो, स्कीम चल रही हो, वहां पे हर एक जगह सभी को टेंडर मारने में या पार्टिसिपेट करने में देसी विदेशी सबको मिलना चाहिए इक्वल ग्राउंड। भारत बोलता है हम नहीं कर सकते भाई, स्ट्रेटेजिक रीजन है, हम चाहते हैं कि हमारा डिफेंस में सेल्फ सफिशिएंसी हो, तो डीआरडीओ वाले वो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हम तो वो खरीदेंगे, भले आपकी ये लॉकवीड मार्टिन ने उससे बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई हो वगैरह। सेम वे पब्लिक वेलफेयर के चलते भी हम अपने निगमों को बंद नहीं कर सकते, विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू देम। देन ऑब्वियसली दारू का मुद्दा कि भाई हमारे अमेरिका से जो भी वाइन बेवरेजेस वो भारत में आए उसके ऊपर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी करो, भारत वो कर नहीं सकता क्योंकि हमारी वाइन इंडस्ट्री इट इज स्टिल इन अ नेशन स्टेज, बेबी स्टेज में है, और आप लोग ऐसे सस्ते में आपका दारू आ गया तो स्वाभाविक है यहाँ के शौकीन लोग वो पियेंगे, तो हमारे ग्रेप फार्मर्स की भी लाइवलीहुड को भी नुकसान कर सकता है। और इन्हीं दारू के मसलों के चलते भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है इस के चलते। नेक्स्ट, अमेरिका चाहता है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना होना चाहिए। हमारे यहाँ सोलर मिशन चल रहा है, वहां पर की सरकार ये सोलर पैनल खरीदे और वो हर एक अलग जगह पे लगाए और चले काम, राइट, तो एक प्रकार से सब्सिडी चल रही है। तो अमेरिका चाहता है कि आप सोलर पैनल जब लगाओ तो वहां पर टेंडरिंग में विदेशी देशी दोनों कंपनियों को समान ग्राउंड मिलना चाहिए। भारत बोला नहीं, हम तो केवल ऐसी कंपनियों से पैनल खरीदेंगे जो कि डोमेस्टिकली उन्हें मैन्युफैक्चर किया गया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम लोकल कंपनियों से खरीदेंगे उनको कुछ पैसा मिले, वो कंपनियां उस पैसे थोड़ा एक्सपांड करें, नौकरियां खड़ी हों, आरएनडी में पैसा जाए, तो अपनी लोकल कैपेसिटी बने। भले आप लोग सस्ते में हमको सोलर पैनल बेचो लेकिन हम सेल्फ रिलायंस गेन नहीं कर पाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन नॉट ज्वाइन सच गेम कि जहां पर आप बोले कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। आगे बात, मान लो ऐसी कोई टीपीपी गेम में हमने ज्वाइन कर भी लिया और अगर पंगा हो गया दो देशों के बीच, तो फर्स्ट स्टेज रहेगा कि म्यूचुअल कंसल्टेशन, चाय पे चर्चा करके आप उसका सुलह करने की कोशिश करो। अगर ऐसा ना हो पाए तो एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनेगी जहां पर जाके आप पैरवी करो। अगर आप केस हार गए तो सभी टीपीपी बेनिट सस्पेंड कर दिए जाएंगे, मतलब 0% आप जो एक्सपोर्ट कर पाते थे 0% ड्यूटी पे वियतनाम में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, हर एक जगह पे वो आपका मतलब बेनिफिट खत्म हो जाएगा। तो भारत को ये चिंता है कि ऐसा करने पर तो हमारी सॉवरेनिटी खतरे में आ जाएगी। हो सकता है कि आपके ये एनजीओ वाले कल उठ के कोई एनवायरमेंट का मुद्दा बना ले, चाइल्ड लेबर का मुद्दा बना ले और हमको ये ट्रिब्यूनल में ले जाए और फिर आप हमारा टीपीपी बेनिफिट सस्पेंड करा दो। अमेरिका के साथ तो सस्पेंड करा ही दिया, कनाडा मेक्सिको में भी सस्पेंड करा दिया, तो ये हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। वहां पर मतलब टीपीपी के एग्रीमेंट में ही ये बोला गया है कि गिव पार्टिसिपेशन टू सिविल सोसाइटी एंड ऑल अदर नॉन पार्टीज। नॉन पार्टी के नाम पे सभी लोग आ गए, ग्रीन पीस भी आ गया, फोर्ड फाउंडेशन भी, भले इनके आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर दो एनजीओ के रूप में, स्टिल एज नॉन पार्टीज दे कैन स्टिल गो एंड कंप्लेन इन द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट यू। सो स्वाभाविक है भारत को इन सब में मजा नहीं आएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है यान फॉरवर्ड अग्रीमेंट। यान फॉरवर्ड अग्रीमेंट ये बोलता है टीपीपी के जो भी 12 देश हैं वो आपस में जो भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करें एक दूसरे पे उसके ऊपर 0% टैक्सेस लगे और कस्टम क्लियरेंस और फाइल क्लियरेंस उसमें मिनिमम बैरियर हो, जल्दी जल्दी वो क्लियरेंस दे दिया जाए। नेक्स्ट, और ये सारे फायदे ऐसे देश को नहीं दिए जाएंगे जो अपनी गैंग में शामिल नहीं है, तो स्वाभाविक है भारत अगर गैंग में शामिल नहीं है तो उसको परेशान कर सकता है, सिवाय के उस देश के अंदर उस यान की अवेलेबिलिटी या ना हो। उदाहरण से समझते हैं, वियतनाम के अंदर जींस बना रहे हैं और वो अमेरिका में एक्सपोर्ट होगा तो 0% ड्यूटी लगेगी, लेकिन वो जींस के लिए उपयुक्त जो टेक्सटाइल होना चाहिए या यान होना चाहिए या कॉटन होना चाहिए वो वियतनाम में नहीं है। ओनली इन सच स्पेशल केस वियतनाम वाले वो इंडिया से लेके आए, वो चाइना से लेके आए, उस वक्त इंडिया और चाइना के माल पे 0% ड्यूटी लगेगी, अदरवाइज नहीं।
सो लाइक दैट दिस यन फॉरवर्ड रूल ऑफ ओरिजिन अग्रीमेंट स्वाभाविक है भारत को नुकसान करेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए तो बराबर है कि वियतनाम वाले हमसे या चाइना से वो माल खरीदेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म दे विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तब जाके वियतनाम का चीज अमेरिका में जाएगा 0% ड्यूटी, भारत चीन का जाएगा तो 12-14% ड्यूटी, तो ट्रेड कंपेटिटिवनेस खराब होगी। और हमारा जो सपना था कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम सीएमएलवी कंट्री में जाके मेक आउटसाइड इंडिया बोल के टेक्सटाइल को बढ़ाना था, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। सो भारत को टीपीपी से क्या क्या नुकसान, टीपीपी की चर्चा 5 साल से चल रही थी और उन्होंने कंक्लूड कर दिया। अब ओबामा ने जब अपने यूएस कांग्रेस में जाके रेटिफाई करना है, मतलब लगभग वो खत्म हो गया। जबकि भारत यूरोपियन यूनियन के साथ बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट की बात कर रहा है, वो 8 साल से अभी तक लटका हुआ है। उसी प्रकार उल्टा वो तो लटका हुआ है, बीच में यू वालों को ज्यादा लगा कि भारत की ये जेनेरिक ड्रग और उनमें गड़बड़ियां हैं, तो 700 से ज्यादा ड्रग्स अपनी बैन कर दी गई। उसी प्रकार आप ऑस्ट्रेलिया या एक्सवाईजेड कंट्री के साथ बात करो, हमारे अग्रीमेंट कंक्लूड नहीं हो पाए। जब ये टीपीपी कंक्लूड हो जाएगा तो 40% ट्रेड, 18,000 से ज्यादा टैक्स रिमूव हो जाएंगे, अमेरिकन गुड्स का प्रमोशन बढ़ता जाएगा, उसके चलते भारत की एक्सपोर्ट पे 25-30% वो नुकसान कर देगा, ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। और ये तो मतलब परसेंटेज के बारे में बोल रहा है, एब्सोल्यूट फिगर में $3 बिलियन का ट्रेड भारत का खत्म हो जाएगा। और अपना जो सपना था इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कि 2020 तक हमने बढ़ा के $900 बिलियन करना है, वो धरा का धरा रह जाएगा। और क्योंकि इन्होंने आपस में गुट बना लिया टीपीपी वालों ने कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट में ये प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो वहां के निवेशक फिर बैकएंड इंटीग्रेशन या अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन के नाम पे भारत में आने से बचेंगे बिकॉज ऑफ द आईपीआर एनवायरमेंट एंड लेबर नॉर्म्स, तो अपने को वो भी नहीं मिल पाएगा। तो क्या भारत को टीपीपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, अपने हथियार नीचे रख देने चाहिए? नो, भारत को टीपीपी ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि ऐसा करने के लिए जो एनवायरमेंट लेबर आईपीआर फंड में रिफॉर्म करने होंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने भी वही बोला कि कंप्लायंस कॉस्ट इज गोइंग टू बी वेरी हाई एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में, और हमने अपनी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है, वो चाइल्ड लेबर की बात हो या इलीगल फिशिंग की बात हो, इलीगल लॉगिंग की बात हो या लेबर नॉर्म्स हो। और ओबामा खुद भी इसे अभी तक मतलब अप्रूवल नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी ऑपोजिशन पार्टीज भी ये बोल रही है कि आपने 0% ड्यूटी तो कर लिया, लेकिन वियतनाम के सस्ते चाइल्ड लेबर वगैरह वो यूज करेंगे ही और वो सस्ता माल अमेरिका में डंप हो जाएगा एंड इट विल नॉट इवन बेनिफिट अस, तो ये उनके इलेक्शन का भी एक मुद्दा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के थोड़े मुद्दे थे वो भी खत्म हुए, एंड लाइक दैट अपनी मेन्स रिविजन सीरीज वो भी खत्म होती है। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आज रेट बतावे छे ने $1 बराबर केटला युआन, $1 बराबर 5 युआन, 6 युआन, 6.6 युआन। ओके ओके, ग्राफ उल्टो छे तो ऊपर जाए तो मतलब डॉलर वन नहीं कर ડિવેલ્યુએશન કરતા હતા એક્સપોર્ટ કોમ્પિટિટિવનેસ માટે, તો એ તો નહીં કરી શકે પછી એ લોકો એસડીઆરમાં એક